करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से करने का, क्योंकि इसका क्वेश्चन आना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्वाड्रेटिक का हो सकता है आए ना आए, वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया तो जनरली क्या है कि लेवल अच्छा ही पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन आया तो आप सब कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी जैसा देखा जा रहा है पास्ट कुछ टाइम से क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से कर लिया तो मतलब एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, इसलिए हम पहले कोशिश करेंगे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करने की, और क्वाड्रेटिक कवर हो गया तो क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक के मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दूंगा, फिर से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा टॉपिक है जिसको आपने अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी रख ली तो इसका क्वेश्चन आ गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है? तो इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए तो अपन ट्राई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से कवर करने की। बस 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर 5 स्टार्ट करते हैं 12:05 पे, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना? क्वाड्रेटिक में एक्चुअली वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का थोड़ा सा बेस वगैरह दे देते हैं, लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन थोड़े आ जाते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे दूंगा और उसके सॉल्यूशन दे दूंगा, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना एटलीस्ट, तो उतना कवर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में ज्यादा डीप में नहीं। हाँ बोलो। सर एक बार वो न्यूटन्स फॉर्मूला समझा देना। ठीक है, वो समझा दूंगा। अच्छा, आज की क्लास हम थोड़ा सा एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बेसिक से स्टार्ट करते करते लास्ट में ज्योमेट्री तक जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए चीजें अपन थोड़ी सी स्पीड में कवर करेंगे। तो आपको जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो आपको एटलीस्ट उसको क्या करना, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है? कि उसका अप्रोच क्या होगा, उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है, फिर आप देखना कि आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच सही है कि नहीं है, फिर अपनी गलती वगैरह निकालना, ठीक है? तो कोशिश यही करना है कि आपको ढंग से प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और इसलिए थोड़ा सा फास्ट रहना, कंसंट्रेशन हाई रखना, कहीं पे भी डाउट आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन हाई रखना, ठीक है? हम चीजें जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम सारा कवर कर लेंगे, ठीक है? आज के जो क्वेश्चन लिए वो भी मैंने सिलेक्टेड लिए हैं ताकि आपका बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कवर हो जाए, ठीक है? और वो मेरे यहाँ के नेटवर्क इशू आ रहा था सुबह से, तो नहीं तो मैं क्लास मॉर्निंग में लेता। खैर कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना खा लिया सबने? ठीक है, अच्छा। जिसने नहीं खाया बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहना, 2 बजे तक हो सकता है क्लास चले। आज ट्राई करेंगे ये पूरा कवर हो जाए, इसके दो एक से दो क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है? ताकि एग्जाम में आएंगे अगर एक क्वेश्चन भी आपका फिक्स हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्लियर है? चलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कहाँ थे तुम इतने दिन, अटेंड क्यों नहीं करी क्लास? सर मैं आता था। आते थे क्या? अच्छा, बोलते नहीं थे? नहीं सर, वो नई नेटवर्क इशू था ना, इसलिए थोड़ा सा बारिश हो रही थी ना हमारे तरफ। अच्छा, ठीक है। 19 है ना, ठीक है, चलो करें स्टार्ट। तो सब यस लोग सर। रेडी रहना, फास्ट एकदम निपटाएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे कोशिश अच्छे से पढ़ने की, और कंसंट्रेशन लेके बैठना, और डाउट्स आए पूछ लेना अनम्यूट करके, ठीक है? चलो, तो देखो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक से। सबसे पहले तो आपको आयोटा के बारे में पता ही होगा, ठीक है? आयोटा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। आयोटा का क्या मतलब होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ध्यान रखने वाली वो कौन कौन सी है, एक सेकेंड, आयोटा की पावर 4 कितना होगा? आयोटा के पावर 4 हो जाएगा 1। आयोटा के पावर 4n+1 1 -1। हाँ देखो, आयोटा के पावर 4n 1 होता है, 4n+1 अगर इसमें वापिस 4n+1 कर दे कितना आ जाएगा, आयोटा आएगा। बेसिकली किया क्या, आयोटा अपन ने मल्टीप्लाई किया, एक सेकेंड, ये पॉइंटर, ठीक है, और आयोटा के पावर 4n+2 माइनस वन। एक सेकेंड ना यार, ये थोड़ा सा वाइट, एक बार एक काम करो, आप सब लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो, मेरा थोड़ा सा ये व्हाइट बोर्ड का इशू आ रहा है। मैं वापिस इसको दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन,
एक बार वापिस बता देता हूँ आप लोगों को, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। हेलो किसी का माइक ऑन है, अनम्यूट कर लेना। ठीक है करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया आईटी के पावर 4n आपका होता है 1, आईटी के पावर 4n प्लस 1 ये होता है आपका आयोटा, आईटी के पावर 4n प्लस 2 ये होता है आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस 1, एंड आईटी के पावर 4n प्लस 3 ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा। ठीक है चलिए, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर इन चारों को मैं ऐड कर दूं, इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आयोटा के पावर 4n प्लस आयोटा के पावर 4n प्लस 1 अप टिल 4n प्लस 3, इन चारों का एडिशन भी कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। इन चारों का एडिशन भी कितना आएगा, जीरो। तो ये प्रॉपर्टी को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, 4 से डिवाइड करो, देखो 4 की पावर क्या बन रही है। 57 को 4 से डिवाइड करोगे देखो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 56 प्लस 1, और ये 4n का मल्टीपल है, तो आयोटा के पावर 4n प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, क्या ये 4 से, हां ये 4 से डिविजिबल है फर्स्ट, ये वाला यस सर, इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1। ओके 29, 29 अगेन 28 प्लस 1, तो इसका इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा। 101 को क्या लिखोगे, 100 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आयोटा। आयोटा 4n प्लस 1 जहां पे भी आएगा उसको क्या लिख देंगे, आयोटा। तो आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा को कैसे सिंपलीफाई करोगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर जीरो। यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा के पर 2015 कॉमन आ जाएगा, या फिर आयोटा 2014 कॉमन ले, जो भी कॉमन लेना ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा के पावर 4, और इन सब का सम कितना होता है, इसका पूरा डायरेक्ट आंसर कितना जीरो होगा, जीरो। जीरो। आगे समझ में आया तक? यस सर, अच्छा यस सर। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना, कभी कभी छोटे क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। जनरली हम देखो रूट ए इंटू रूट बी को क्या लिख देते हैं, रियल नंबर होते तो रूट ऑफ ए इंटू बी लिखते हैं, लेकिन ये वाला अगर मान लो दोनों नंबर नेगेटिव अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी कब अप्लाई होगा, या दोनों नंबर क्या हो पॉजिटिव, या कम से कम कोई एक क्या हो पॉजिटिव। दोनों नंबर अगर नेगेटिव हुए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना, क्लियर है, क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे इसकी एग्जाम्पल रूट माइनस रूट, जैसे कोई भी छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल, जैसे रूट 7 इंटू माइनस रूट 4 या फिर 3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके देखें, हाँ, और इसको रूट 21 नहीं लिखेंगे, इसको रूट 21 नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो माइनस रूट 7 को आयोटा के टर्म्स में कैसे लिखोगे, रूट 7 आई, हाँ रूट 7 आयोटा, वेरी गुड। माइनस रूट 3 को कैसे लिखोगे, आयोटा रूट थ्री, वेरी गुड। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो देखो इनकी प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो एक हो गया रूट 7 आयोटा, एक हो गया रूट 3 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा एक हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, अब रूट 7 ये हो जाएगा रूट 21, तो आपके आंसर क्या आएगा, माइनस रूट 21, ये करेक्ट है, क्लियर है। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। अगर रियल पार्ट जीरो हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिक कुछ था। इसके बाद एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा मतलब जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन मैंने बोला टू प्लस थ्री आयोटा, जेड टू को मैंने बोल दिया फोर प्लस एट आयोटा मान लो, ठीक है। कोई बोलता है कि जेड वन प्लस जेड टू, तो जेड वन प्लस जेड टू कैसे करेंगे, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो सेम काम रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, प्रोडक्ट भी अगर करना हुआ तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड अगर करना हुआ तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, डिवाइड में क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देना, नीचे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, अगर बोला कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी के बारे में, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनका रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से इक्वल होगा, क्लियर है, तो ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। चलो एक बार ये वाला ट्राई कर लो सर, डिवाइड वाले में इनवर्स लाइक मल्टीप्लाई करते हैं ना नीचे वाले का, डिवाइड वाला जो भी होता है नीचे वाले का जो भी प्लस है तो उसका माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइज कर देना, तो हो जाएगा सॉल्व। नीचे फिर a प्लस b इनटू a माइनस b बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करोगे तो वो आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, ओके। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर व्हिच दिस इज इक्वल, ट्राई करो एक बार सब लोग, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, n की कौन सी सबसे छोटी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करो, बताओ कितना आएगा आंसर, 2 आ रहा है क्या? अच्छा, क्या अप्रोच अपनाया आपने, मतलब क्या क्या, क्या तरीका अपनाया सर, पहले अंदर दोनों को स्क्वायर कर दिया तो एक तरफ 2 आयोटा आया, एक तरफ माइनस 2 आयोटा, फिर अच्छा, अंदर को निकालने के लिए स्विच कर दिया। ओके सही है, वो भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। अगर आप भी 2 को अंदर भेज दो कि a + b होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, या फिर देखो दोनों तरफ पावर सेम है तो दोनों को कंबाइन करो, मान लो इसको उधर जाके डिवाइड कर दिया तो यहां पे क्या बचेगा, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा की होल पावर 2n, और इधर क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा 1। अब देखो इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हो, 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा कितना होता है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, अगेन जो मैंने समझाया था रैशनलाइज, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, तो नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और ऊपर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 चला जाएगा, ये सब क्या बचेगा आयोटा, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, तो आयोटा के पावर 2n इक्वल टू 1। अच्छा 1 कब होता है, आयोटा की पावर कौन सी 1 होती है, 4 सकते हैं, पावर को आपस में कंपेयर करोगे तो 2n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 2, ये भी तरीका। दूसरा तरीका आपने जैसे बताया कि इसको 2 को अंदर भेज दोगे, सिंपलीफाई करोगे तो भी वहां से आ जाएगा, और ये ध्यान रखना 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा, ये आयोटा कैसा है समझ में आया रैशनलाइज करने के बाद, यस यस सर, ओके यस सर, चलो आगे बढ़े। देखो सर एक बात, जो आपने क्वेश्चन अभी बताया था कि अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को मल्टीप्लाई करें, तो उसमें सर डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, ये थोड़ा समझ नहीं आया। वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई तब नहीं कर सकते जब दोनों नंबर नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में फिर वो माइनस माइनस से वो आपका जो प्लस वो हट जाएगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस 1, डायरेक्ट अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी सब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस वन लगा मतलब ऐसे करेंगे तो माइनस वन लगे, अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करें तो सर हट जाएगा ना, नॉर्मल जैसे हम करते हैं। हाँ नॉर्मल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों नंबर नेगेटिव हो तब नहीं करना, सिर्फ इतनी सी बात दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर ये कॉम्प्लेक्स में होगा ना सर, सिर्फ ऐसे ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स ये वाला ट्राई करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। अच्छा आज थोड़ा सा हम स्पीड में रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको बस अटेम्प्ट करते जाना है, फास्ट अटेम्प्ट करते रहना, देखना कि आपका अप्रोच क्या आ रहा है, ठीक है, हो सकता है पूरा सॉल्व ना कर पाए लेकिन अटेम्प्ट स्टार्ट जरूर करना, ठीक है। बोला इफ दिस है सर, बेसिक्स समझाओगे ना? हाँ बेसिक्स से स्टार्ट तो किया है। हाँ सर मतलब जो भी आगे चीज आएंगी उनको सर रूट से उठाना थोड़ा, क्योंकि काफी टाइम बाद पढ़ रहा हूँ ना, तो नहीं। हाँ हाँ ठीक, नहीं नहीं इसे उठाया बेसिक से, ये पूरा बेसिक से चलेगा, लेकिन आपको बस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मैं पूरा हो सकता है पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व ना करूं, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझा के छोड़ दूंगा, आप वापस घर पे उसको ट्राई करना, सर वहां से तो कर लेंगे कुछ, बस समझना है। ओके अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि दिस हैज अ रियल रूट, रियल रूट है मतलब इसका जो रूट क्या है, रियल है, ठीक है। dn ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, हां वो वाला यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, देखो ये गलती हो गई, वो वाला जो आप अप्लाई करते हो ax² + bx + c = 0, रियल रूट की जो कंडीशन आप अप्लाई करते हो
रियल रूट की जो कंडीशन आपको सिखाई गई थी क्वाड्रेटिक में डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कभी अप्लाई होगी जब जो कोएफिशिएंट ए बी सी दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये वाली कंडीशन तभी अप्लाई होगी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नोट, ये हर जगह अप्लाई मत कर देना। रियल रूट की कंडीशन जो हम अप्लाई करते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब अप्लाई होगी, जब हमारे जो कोएफिशिएंट ए बी सी ये कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ए बी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता, जब मेरा क्वेश्चन क्या हो, रियल हो। ठीक है, तो छोटा सा नोट है, ध्यान रख लेना। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें बोला गया कि रियल रूट है, तो कोई रियल रूट मानने तो लेट जेड इक्वल टू कोई भी मान लो अल्फा एक्स, कुछ भी मान लो एक्स, एक रियल रूट मान लिया। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अपन इसमें रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू आयोटा इंटू एक्स प्लस वन प्लस ए आयोटा इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में बोला था इसका रियल रूट है, तो रियल रूट अपन ने x मान लिया, तो x को इसमें पुट अप करिए क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रियल पार्ट को अलग इमेजिनरी पार्ट को अलग, तो ये कितना जगह देखो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स आयोटा प्लस वन प्लस ए आयोटा इक्वल टू जीरो। तो रियल पार्ट इसका क्या क्या एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, सॉरी ये वन है ना, प्लस वन, और आयोटा के साथ क्या क्या आ जाएगा, 2x plus a equal to 0. क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes sir. Yes sir. अब देखो ये complex number 0 के बराबर है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? 2x plus a भी 0 होगा। हाँ, ये 0, तो equality of complex number apply करें, दो complex number equal कब होंगे, जब उनका real part equal, imaginary part equal, तो ये भी क्या होगा 0 के बराबर, और ये भी क्या होगा 0 के बराबर, दोनों किसके बराबर होंगे 0 के बराबर, तभी ये 0 होगा, right? तो यहाँ से हमारे पास क्या है 2x plus a equal to 0, 2x plus a equal to 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस a upon 2, और यहाँ से भाई दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से कि x square plus 3x, sorry, x square plus 3x plus 1 equal to 0, यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा a square by 4 minus 3a by 2 plus 1 equal to 0, ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है, a में क्वाड्रेटिक आ गई, यहाँ से आपका ए आ जाएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग था इसलिए मैंने करवा दिया, यहाँ पे जनरली बच्चे गलती ये करते हैं, यहाँ पे डी अप्लाई कर देते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा, जब ए बी सी क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। बाकी देखो यहाँ पे करना था क्या था, रियल रूट था, तो एक्स की जेड की वैल्यू मैंने एक्स रख दी, एक्स को क्या मानना, रियल मान लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई करा, ये जीरो के बराबर आ गया, रियल पार्ट को जीरो इक्वेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को जीरो इक्वेट कर दिया, सिंप्लीफाई करा, तो आपका ए आ जाएगा। क्या है, समझ में आया? ठीक है, डी मतलब वो डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक वाला डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, नाइन टेंथ में पढ़ा था, टेंथ में, ओके ओके, चलो ये डी मैंने बता दे, बोल, हाँ बोलो सर, ए की दो वैल्यूज आएंगी ना यहाँ से, हाँ ए की दो वैल्यूज आएगी, ओके सर, ठीक, तो ये मैंने लिख दिया डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वर्क्स ओनली इफ द कोएफिशिएंट्स आर रियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ए की सर दो वैल्यू आने का वो क्या है, मतलब रीजन क्या है, ए में क्वाड्रेटिक आई ना अपने पास, तो देख ए की दो वैल्यू आएगी अपने पास, दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। अब देखो यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी देख लो ध्यान से, ये इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, यहाँ पे बोला कि अगर x की वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा है, तो x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 की वैल्यू क्या होगी, इसको करने का तरीका क्या होता है, एनीवन कोई डिस्कस करेगा, फैक्टराइज करेंगे, हाँ फैक्टराइज कर सकते, या फिर एक और शॉर्ट तरीका होता था इसको करने का, अगर क्वेश्चन समझ में आया, x की वैल्यू अगर 1 प्लस 2 आयोटा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, या तो आप इसमें रखो पूरा क्यूब करो, स्क्वायर करो, सिंप्लीफाई करो, तो आंसर आ जाएगा, एक बेसिक तरीका तो वो है ही कि आप इसमें x माइनस 1 का क्यूब कर सकते हैं, हाँ वेरी गुड, x इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा है, देखो क्यूब भी कर सकते हो, क्यूब का एक्सप्रेशन क्रिएट, लेकिन वहां से भी हो सकता है क्रिएट ना हो, क्योंकि x माइनस 1 का क्यूब करोगे तो भी एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं होगा, आप सिंपली क्या करो, ऐसे एक्सप्रेशन जब भी आए इमेजिनरी पार्ट को सबसे पहले अकेला बनाते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा को अलग रख दिया, इस वन को इसके साथ भेज दिया, इस वन को क्या कर दिया इसके साथ भेज दिया, अब क्या कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करें स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करने से देखो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस 4, ठीक है यहां तक, ये माइनस 4 इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये क्लियर हुआ यहां तक, क्या किया मैंने, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया था इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव की वैल्यू क्या होगी जीरो, अब मैं कोशिश करूंगा इसमें ये वाला टर्म क्रिएट करने की, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है जीरो है,
तब देखो यहाँ पे x इक्वल टू ये था वन को उधर भेजा स्क्वायरिंग करा तो ये जीरो आ गया। अब क्या करते हैं इसको अपन इससे क्या करते हैं इसमें से ये फैक्टर कॉमन निकालना तो इसको इससे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं। लॉन्ग डिवीजन से इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड। तो देखो ध्यान से इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी भी तो इसी तरीके से ट्राई कर लेना। इसको अगर लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड करोगे तो देखो ध्यान से क्या आएगा यहाँ पे आप कर देना x तो हो जाएगा कितना x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। सब्सट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा साइन का चेंज हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन आई थिंक आता होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 16 और अगला क्या देना पड़ेगा इसको प्लस 9 तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर कितना बचेगा ये माइनस 18x ये कितना है 5 है ना 9 5 45 ठीक है। अगेन सब्सट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 18 कितना हो जाएगा 12x और ये कितना आएगा बताओ 45 माइनस 16 हेलो समझ में आ रहा है 29 ठीक है। देखो तो बेसिकली क्या है इस एक्सप्रेशन को लिखने का क्या तरीका ये एक्सप्रेशन है इसको लिखने का तरीका क्या है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो देखो वही लिख रहा हूँ तो इस पूरी एक्सप्रेशन को इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा ये जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी ये क्या एक तरह से मेरा डिविडेंड है तो डिविडेंड को लिखने का तरीका क्या है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर मतलब ये डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इससे फायदा क्या हुआ देखो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है जीरो है जीरो। तो देखो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो मैं इस पूरे की वैल्यू सिंपली बची क्या 12x माइनस 29। अब सिंपली मैं x को रख दूंगा जो मुझे चाहिए था x की वैल्यू अब क्या रख दोगे 1 माइनस 2 आयोट और आपका आंसर आ जाएगा मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ऐसे क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू क्या रख देंगे 12 x की जगह 1 प्लस 2 आयोटा रख देना माइनस 29 तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 प्लस 24 आयोटा माइनस 29 ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपलीफाई करने पे ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने हाँ बोलो क्या हुआ सर ये प्रोसीजर आपने किया मतलब आपको समझ आ गया लेकिन हम ऐसा करेंगे और उससे आंसर आएगा इसका क्या मतलब है क्यों इसलिए क्या ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। अब यहाँ पे मान लो पावर 4 आए पावर 5 आए आप उसको पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे कि सिंपलीफाई करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा ये कैलकुलेशन करने से आपका काम जल्दी हो जाएगा ये है तरीका समझ आ रहा है। एक तो है आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट अप करो दूसरा तरीका क्या करा मैंने ये वाला एक्सप्रेशन जीरो से क्रिएट कर दिया इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी ये तरीका इसलिए अपनाया गया कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनाने के लिए ठीक है। बाकी कोई ऐसा लॉजिक नहीं है इसमें कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पहले हमने एक जीरो क्रिएट कर दिया फिर इससे डिवाइड कर दिया ताकि ये वाला एक्सप्रेशन जीरो आ जाए सिंपली एक लीनियर टर्म बचे तो आपके काम जल्दी हो जाएगा। बाकी सिंपल बेसिक तरीका तो है ठीक है चलो क्लियर है यहाँ तक सबको कोई दिक्कत ये बेसिक कवर हुआ अभी ज्यादा कुछ कवर नहीं किया अपन ने सिर्फ बेसिक कवर किया आयोटा वगैरह। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है अब स्टार्ट होगी अब मेन आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रॉपर्टी खासकर कॉन्जुगेट मतलब सिंपली अगर मान लो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सिंपली क्या करना है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा कर देना ठीक है। साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट का हमको क्या करना है चेंज करना है बाकी और कुछ भी नहीं ठीक है। जैसे ये है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो फटाफट कॉन्जुगेट जल्दी 2 - 3 - 3 नेक्स्ट 1 + 2 - 2 कॉन्जुगेट कुछ नहीं मतलब ये डिफाइन नहीं ऐसे किया गया कॉन्जुगेट मतलब अगर जेड ऐसा है तो जेड कॉन्जुगेट ऐसे डिफाइंड होगा। अब इससे रिलेटेड अलग अलग चीजें कराई गई है वो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आगे खेल बताऊंगा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से आगे प्लेन में तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा बस इमेजिनरी पार्ट को आपको चेंज करना है ठीक है। ओके नेक्स्ट हाँ वो आगे बताऊंगा मैं जब आपको आर्गन प्लेन समझूंगा तब उसमें सीखूंगा ठीक है। अब देखो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लोगे तो वापस मेन प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ो वापस जेड आ जाएगा। क्या कॉन्जुगेट प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकता है यस सर। हाँ प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट को अलग कर सकते हो डिवाइड में यस सर एडिशन में नहीं एडिशन में होगा कि नहीं होगा नहीं सर होगा हो जाएगा कॉन्जुगेट देखो ऐसा याद रख लेना कॉन्जुगेट ऐसी चीज है सब में अलग हो जाता है कॉन्जुगेट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है
कॉन्जुगेट सब जगह अलग अलग हो जाएगा, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिविजन हो, पावर हो, हर जगह कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अलग अलग। कॉन्जुगेट सब जगह सेपरेट, दिक्कत आती मॉड्यूलस में, ध्यान रखना मॉड्यूलस हर जगह नहीं होता, लेकिन कॉन्जुगेट क्या होता है, हर जगह सेपरेट आउट हो जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। कॉन्जुगेट में कभी भी चाहे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, कॉन्जुगेट को आप सेपरेट आउट कर सकते हो, पावर में भी कॉन्जुगेट को अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो देखो सर, जेड मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई था, इसका जेड कॉन्जुगेट आपने बोल दिया एक्स माइनस आयोटा वाई, अगर दोनों का एड करेंगे तो क्या आएगा सर, रियल पार्ट बचेगा सिर्फ 2x, ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 2x को हम क्या बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो देखो इसको भी लिखने का एक तरीका, मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z को लिखने का तरीका क्या, z plus z conjugate, तो z plus z conjugate is nothing but twice of real part of z। क्लियर है यहां तक? और दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, x x कट जाएगा 2 iota y, तो दोनों का सब्सट्रैक्ट अगर कर देंगे तो z minus z conjugate कर देंगे तो 2 iota into imaginary part of z, 2 iota into imaginary part of z, ये कब करेंगे subtraction पे। क्लियर है यहां तक? सर ये वाला समझ नहीं आएगा, बता दीजिएगा z plus z वाला। हाँ देखो ये z conjugate क्या है, समझ में आया? नहीं सर, दोनों में से ये यहां ये वाला तो आ गया समझ में। हाँ, अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पे x plus x कितना आ जाएगा, 2x। यस सर। और ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है रुको, हाँ कट जाएगा, ठीक है एक मिनट। जेड है मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई, ये इंपॉर्टेंट है सब लोग ध्यान से देखना, और जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, जेड कॉन्जुगेट, अच्छा ये ब्लू पेन आपको दिखता है कि लाइट चलता है ना, दिख रहा है सर, दिख रहा है बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो जेड ये हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे, इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो एक्स और एक्स, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, टू एक्स, और टू एक्स, एक्स हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, x को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। अगर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो मेरे पास आएगा 2y into iota, क्या बचेगा, x x कट जाएगा, 2y iota बचेगा, तो ये हो जाएगा twice 2 iota into y, को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है, z plus z conjugate हो जाएगा twice of real part, और z minus z conjugate twice of imaginary part। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है, ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं बोलता हूं z plus z conjugate जीरो है, यहां से आप क्या रिलेशन अप्लाई करोगे, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, हाँ जेड प्लस, अगर नहीं ये जीरो है मतलब रियल पार्ट जीरो है, क्या है, अगर ये रियल पार्ट जीरो है, ये क्वांटिटी जीरो मतलब रियल पार्ट जीरो, रियल पार्ट जीरो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा, इस प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ये आप दोनों तरफ से यूज करना, कहीं कभी भी आपको बोले कि जेड अगर प्योरली इमेजिनरी तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जीरो, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड चीज, अगर जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अगर जीरो है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, हाँ, तो जेड इज प्योरली रियल। पहले ट्राई करो सब लोग एक बार, सर आपने जो प्योरली रियल नंबर का कहा उसमें सर थोड़ा समझ नहीं आएगी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा या रियल नंबर पार्ट जीरो होगा, प्योरली रियल में वो इमेजिनरी पार्ट जीरो, हाँ मैंने उसमें ये बताया था कि अगर z माइनस z कॉन्जुगेट ये होता है प्योरली, ये आपका होता है इमेजिनरी पार्ट, ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, तो अगर ये जीरो हो गया मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, और किसी चीज का अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा मतलब वो कैसा हो जाएगा, प्योरली रियल, क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। एक बार घर जाके वापस देखना, हो जाएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो, और रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस क्या लिखते थे, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते थे z plus z conjugate, सर इसमें मतलब सब्स्टिट्यूट करके भी तो ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं इसलिए, हाँ कर सकते हो, बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो, ताकि ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई करना, कैसा भी क्वेश्चन आए हमेशा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सारे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब आपके पास ऐसा वर्ड आता है जेड इज प्योरली इमेजिनरी, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो, जेड इज प्योरली इमेजिनरी मतलब जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
इमेजिनरी तो प्लस वाला जीरो, रियल तो माइनस वाला जीरो, ऐसे याद रख लेना। तो ये पूरा एक जेड है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट, इसका क्या कॉन्जुगेट का सम क्या हो जाएगा, जीरो। ये बेसिक प्रॉपर्टी कि ये पूरा के पूरा क्या है, प्योरली इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का सम क्या होगा, जीरो। क्या ये समझ में आया? यस सर। और अभी आपको मैंने सिखाया अलग अलग कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब जगह ये अलग अलग हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस वन अपॉन जेड कॉन्जुगेट प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर सकते हो यहाँ पे दोनों का। इधर से इसको ठीक है, एलसीएम लेके सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। सर नीचे लाइक फ्रैक्शन है ना, तो एलसीएम क्यों लेंगे? अलग अलग है, जेड कॉन्जुगेट है, अलग अलग है। यहाँ जेड प्लस वन है, जेड कॉन्जुगेट प्लस वन है। सर उसको अगर नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम जीरो मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं सर? हाँ भेज सकते हैं। ठीक, तो रिवाइज नहीं कर सकते सर? माइनस आएगा ना, कहाँ पे माइनस आएगा सर? जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट। नहीं नहीं नहीं, प्योरली इमेजिनरी बोला है ना, प्योरली इमेजिनरी हो तो रियल पार्ट जीरो होगा, ये आता आपका रियल पार्ट। तो कोई भी ये अगर जीरो होगा तो ही तो प्योरली इमेजिनरी होगा, तो मतलब जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जीरो होगा। अभी तो सिखाया प्योरली इमेजिनरी, तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जीरो, प्योरली रियल माइनस जीरो, दोनों पे ध्यान रखना। इमेजिनरी बोले तो प्लस वन, इसका क्या रियल? हाँ वन आ रहा है, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, यहाँ से आएगा जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पे आएगा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस वन, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, फिर हो जाएगा प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो कुछ कुछ कैंसिल आउट चीजें हो जाएगी, जेड से माइनस जेड कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, वन। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, खैर मैं आगे बताने वाला था लेकिन यही अब देख लो आ गया है। तो जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर देंगे, देखो ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बाहर आके प्लस बना देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। तो मतलब जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रख लेना। यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड और जेड कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मॉड्यूलस ऑफ जेड अभी आगे मैं बताऊंगा वापस से, डोंट वरी। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। और ये उसका क्या है, स्क्वायर है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड्यूलस होता है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अभी के लिए ध्यान रख लो, वापस आगे समझा दूंगा। तो ये जो चीज है ये क्या गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू वन। यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ जेड आपका कितना आ जाएगा, प्लस माइनस वन। सर अगर हम जेड की जगह वन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैसे ही ऊपर वाले टर्म जीरो हो जाती, समझ में आता है कि रियल पार्ट जीरो हो गया। कर सकते हो, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे, आप तरीके अपना सकते हो। क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं करना, जेई में अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, ये बेसिक तरीका है। हो सकता है हर बार ऑप्शन से ना हो, कभी भी प्योरली इमेजिनरी हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्ला देना। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन से जाने का तरीका तो हमेशा ही रहेगा ना आपके पास, ठीक है? लेकिन हो सकता है कभी कभी अप्लाई ना करे, आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास ऐसा वर्ड आता है प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, तो ये वाला तरीका अपना लेना, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। प्योरली रियल आएगा तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो, उससे सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस वन के लिए मना बोला था, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्लस वन। चलो नेक्स्ट, आपको ये मैंने बताया रखा कॉन्जुगेट पावर में भी होगा तो अलग अलग हो जाएगा, ये बहुत सी बार काम आता है। तो पावर को ऊपर नीचे अलग अलग कर देना, ठीक है? जैसे ये वाला एक बार ट्राई करो, यहाँ पे ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी पावर 5 प्लस ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 5, ये जेड दिया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑब्जर्व करो ढंग से एक बार इसको। बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर बताओ, कोशिश करो। बी बी अच्छा। बी लग रहा है, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मान लो अगर अपने जेड बोला,
इसको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अज्यूम कर ले फॉर एग्जाम्पल, रूट थ्री बाई टू प्लस आयोटा बाई टू की होल पावर फाइव, ये जेड अज्यूम कर लिया, तो ये क्या दिया हुआ है? ऑलरेडी एक जेड जेड यूज किया गया, इसको अपन और नाम दे देते हैं, इसको अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर ले, इसको मान लो अल्फा बोल दिया, क्या बोल दिया अल्फा, तो ये उसी का क्या दिया हुआ है अल्फा कॉन्जुगेट, रूट थ्री बाई टू माइनस आयोटा बाई टू ये की पावर फाइव, ये क्या उसका अल्फा कॉन्जुगेट, और इन दोनों का क्या दिया अपन को एडिशन, इन दोनों का क्या दिया एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका एडिशन हमेशा क्या देता है आपको, इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा ना, तो सिर्फ क्या देगा रियल पार्ट देगा ना, हमेशा एडिशन करने पे क्या देगा रियल पार्ट, ऐसे याद रख लेना, क्लियर है? मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर उसका एडिशन, ये आंसर हमेशा क्या आएगा रियल पार्ट आएगा, मतलब जेड क्या है, जेड क्या है एक रियल नंबर, समझ में आ रहा है, इन दोनों का एडिशन हमें क्या दे रहा है, एक आंसर एक रियल नंबर दे रहा है, ये देखो जेड हमें ये दिया हुआ था, हमने इसको एक अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट क्या देगा रियल पार्ट, मतलब ये जो जेड है ये हमें क्या दे रहा है रियल पार्ट, अगर कोई चीज रियल है इसका मतलब क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। आगे समझ में, तो देखो इसको सॉल्व नहीं करना था, ऑब्जर्व करना था, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, उसका कॉन्जुगेट का एडिशन दिया था, और ये हमें क्या देगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, मतलब जेड क्या है एक रियल नंबर है, जेड अगर एक रियल नंबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है? कैसे कराएगा? देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये इसका कॉन्जुगेट था, इसको पहले अल्फा बोल दिया, और ये हो जाएगा उसका अल्फा कॉन, ये अल्फा माना था, ये अल्फा कॉन्जुगेट है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते तो क्या आता है रियल पार्ट आता है, क्या आता है रियल पार्ट, मतलब ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा रियल नंबर आएगा, क्या आएगा रियल नंबर, मतलब जेड इज माई रियल नंबर, जेड इज अ कोई रियल नंबर है, ये जो जेड जिसका एक्सप्रेशन दिया था ये रियल नंबर था, अगर ये जेड रियल नंबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपका आएगा आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन मतलब सिंपली देखो ध्यान से, जैसे अपन कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं वैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन प्लेन बोलते हैं, आर्गन प्लेन में आपकी होती रियल पार्ट ऑफ द, ये रियल एक्सिस होती है, ये होती है आपकी इमेजिनरी एक्सिस, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अगर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका रियल पार्ट है एक्स, इमेजिनरी पार्ट है वाई, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, तो इस आर्गन प्लेन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन द आर्गन प्लेन, ये जेड है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें अपन, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपका होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड, इसको क्या बोलते हैं अपन मॉड्यूलस ऑफ जेड, और ये कितना आएगा अगर ये एक्स से ये वाई है तो मॉड्यूलस ऑफ जेड आपका यहाँ से आ जाएगा कितना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो आपको इसको बोलते हैं अपन मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है, और इसी में एक और चीज डिफाइन होती है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बनाएगा थीटा, ये वेक्टर फॉर्मेट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल बनाएगा थीटा, इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो मेरा क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, खैर आर्गुमेंट आगे डिटेल में बताऊंगा, ये बेसिक था, ये आर्गन प्लेन में हम ये सब चीजें डिफाइन करते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, तो मॉड्यूलस आपको जैसे मैंने बताई दिया, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आयोटा y है तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस, ओके, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसकी प्रॉपर्टी, जो जिससे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इसकी प्रॉपर्टी को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक सेकंड, चलो यहीं पे बता देता हूं, सबसे पहले प्रॉपर्टी में मॉड्यूलस जो होगा वो प्रोडक्ट में और डिवीजन में अलग अलग हो जाएगा, मान लो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से सुनना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट में है जेड वन और जेड टू, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें है प्रोडक्ट में, तो इस पे अगर होल मॉड्यूलस लगा है तो इस मॉड्यूलस को मैं प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं मॉड जेड इंटू मॉड जेड टू अलग अलग लिख सकता हूँ, डिवीजन में भी मैं मॉड्यूलस को अलग अलग कर सकता हूँ, डिवीजन में भी मॉड जेड वन अलग हो जाएगा मॉड जेड टू अलग हो जाएगा, और एक पावर में भी मॉड्यूलस अलग अलग हो जाएगा, जेड की पावर एन का मॉड्यूलस है, इसको लिखने का एक तरीका क्या है मॉड्यूलस ऑफ जेड की पावर एन, आपको ध्यान रखना है तीन प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके अलावा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मॉड्यूलस अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मॉड्यूलस अलग अलग नहीं होगा, मतलब अगर मैं ये बोलूं जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू जेड वन माइनस जेड वन प्लस जेड टू अलग अलग, तो ये नॉट ऑलवेज ट्रू,
ठीक है, यह हमेशा ट्रू नहीं होगा कि इसको अपन अलग अलग कर दें। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। यहाँ पे क्या अप्लाई होगी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मतलब क्या, अगर ये बोल रहा हूँ तो दिस इज ऑलवेज लेस देन, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। सर इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो मॉड्यूलस ऑफ जेड वन ये रहा मान लो, मॉड्यूलस ऑफ जेड टू ये रहा, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल एडिशन हमेशा इसके बराबर जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इसको ज्योमेट्रिकली, चलो बाद में बताता हूँ, पहले इसको ऐसे समझो, नॉर्मली समझ लो। जैसे मान लो अगर कोई जेड वन मैंने लिया वन प्लस आयोटा, जेड टू मैंने ले लिया सपोज थ्री माइनस फाइव आयोटा या फिर थ्री माइनस फोर आयोटा, ठीक है। तो अब मैं जेड वन प्लस जेड टू करके जो मॉड्यूलस निकालूंगा और इंडिविजुअल मॉड्यूलस का जो एडिशन करूंगा, तो हमेशा इंडिविजुअल मॉड्यूलस का एडिशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि इनका मैं अलग अलग इनको एडिशन कर रहा हूँ, तो एडिशन करने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे फोर माइनस थ्री आयोटा, ठीक है। इनका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, फोर माइनस थ्री आयोटा आ जाएगा। अब इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, एडिशन करने पे मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी आ रही, फाइव आ रही है। आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर। इंडिविजुअल इंडिविजुअल मॉड्यूलस अगर निकालोगे तो ये आएगा रूट टू और ये आएगा फाइव। इंडिविजुअल मॉड्यूलस कितना आ रहा है, रूट टू प्लस फाइव, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं, और ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल एडिशन हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। बराबर कब होगा, जब ये सब रियल नंबर हो, बराबर कब होगा, जब ये सब क्या हो, रियल नंबर। जैसे जेड वन रियल हो जाए, जेड टू रियल हो जाए, प्योरली रियल, और ये दोनों भी प्योरली रियल हो जाए, या फिर प्योरली क्या हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, तब जाके बराबर होंगे। बाकी अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। इसके बारे में वो डिटेल आगे मैं वापस बताऊंगा इनइक्वालिटी के बारे में। बस मेजर आपको ये ध्यान रखना है, मॉड्यूलस प्रोडक्ट में और डिवीजन में अलग अलग हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, तो आर्ग्यूमेंट अभी आपको मैंने समझाया, मान लो एक आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये आपकी रियल एक्सिस है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को मैं यहाँ पे किसी पॉइंट से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो उसका आर्ग्यूमेंट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, मानो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला अगर ये एक्यूट एंगल को अगर आप थीटा बोलोगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई माइनस थीटा, और इसी डायरेक्शन में अगर जीरो से टू पाई में अगर कंसीडर करना है, जीरो से अगर टू पाई का कन्वेंशन लेंगे, तो ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, और ये टू पाई माइनस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में याद है एंगल लेते थे चारों क्वाड्रेंट में। और अगर कन्वेंशन आपका माइनस पाई से पाई हुआ, माइनस पाई से पाई का मतलब ये होता है कि पहले दो क्वाड्रेंट में तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, और बाकी के दो क्वाड्रेंट में क्या जाओ, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अगर फर्स्ट दो क्वाड्रेंट में होता है थीटा और ये पाई माइनस थीटा ही रहेगा, लेकिन अगर पीछे वाले क्वाड्रेंट में अगर एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थीटा, और ये उल्टा हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला कन्वेंशन कब अप्लाई करेंगे, जो माइनस पाई से पाई कन्वेंशन, और जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यही यूज करते हैं। ये वैल्यू होती मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हुआ तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो माइनस थीटा, ये याद रख लेना, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये तो आप पहचान लोगे, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन देख के। दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो जिस भी क्वाड्रेंट में उसके हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना सर। चलो सर, उसमें जो माइनस पाई प्लस थीटा आपने जो बताया है ना, इसमें माइनस कहां से आए, एक सेकंड, चलो बाकी लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो। सर एक स्लाइड, एक से दो मिनट के लिए पीछे कर दो, बस नोट करना रह गया, एक लाइन बची है। ना ना, ये नोट मत करो, मैं आपको नोट्स भेजूंगा ग्रुप में, अभी टाइम वेस्ट मत करो नोट करने में, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उनको ट्राई करते जो, नोट वोट मत करो, ठीक है, पूरा नोट्स आ जाएगा आपके पास। वो माइनस पाई प्लस थीटा देखो कैसा है, अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये एंगल आपका कितना होगा, पाई माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा, लेकिन डायरेक्शन एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज, इससे बाहर क्या लगा देंगे, माइनस, बाहर क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि ये डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस, तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस टू और माइनस पाई पाई बाय सिक्स। माइनस रूट थ्री का
होल स्क्वायर, रियल एक्स कितना है माइनस थ्री और वाई कितना है माइनस वन, तो हो जाएगा थ्री प्लस वन। ये आ रहा था क्या, चेक करना। यस सर। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में? यस सर, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आप चाहो तो एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, तो माइनस पाई प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस आयोटा, ठीक है। अच्छा आपको मैं आर्ग्यूमेंट का एक चीज बताना, थीटा निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे अगर मान लो ये एक्स है ये वाई है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई बाई एक्स, तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स y / x, और फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए यहां पे मॉड लगा देंगे, क्या लगा देंगे मॉड, तो यहां से थीटा निकालने का तरीका दिखा देता हूं, तो थीटा आपका हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y / x, तो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y, y मतलब 1, मतलब खैर माइनस 1 था, और x कितना है रूट 3, 1 बाय रूट 3 मतलब कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, क्लियर है? यस सर। सर ये थीटा की वैल्यू यहां रख देना, तो कितना हो जाएगा माइनस फाइव पाई बाई सिक्स। या सर, हाँ बोलो जल्दी बोलो। सर मेरे को ना पहले कॉस और साइन वाली उसमें बना लेते ना, आर को मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो आएगा आगे आएगा, वो यूलर फॉर्म आएगा आगे, अभी स्टार्ट हुआ है चैप्टर, वेट करो, वो यूलर फॉर्म और आर्गुमेंट फिर से बता दो। हाँ यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बता। देखो आर्गुमेंट कैसे निकाला, सबसे पहले तो बेसिक थीटा एंगल निकाल लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, तो ये समझ में आया आपको, आर्ग्यूमेंट के लिए ऐसा ध्यान रखना, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट होगा पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का होगा माइनस पाई प्लस थीटा, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसका प्रूफ कराना चाहूंगा, बहुत टाइम लगेगा, तो याद रख लो ठीक है, अभी प्रूफ मैंने फिर बताया था थोड़ी देर पहले, पांच मिनट पहले, ये थीटा है सर, आपने जैसे बताया था वो तो समझ आ गया सर, लेकिन सर ये पूछ रहा हूँ कि सर हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले सकते इसको, ले सकते हैं लेकिन कन्वेंशन हमको बोला गया माइनस पाई से पाई, आप ले सकते हो आपकी जो मर्जी हो, लेकिन उन्होंने बोला यही यही लेना है, ठीक है सर, ये हमें कैसे पता कि कन्वेंशन माइनस पाई से पाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में यही लेना है, कुछ नहीं बोला तो यही लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यही तो मैंने समझाया था कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको यही अप्लाई करना है, मतलब कि अगर नहीं बोला तो हमें ये लेना है और बोला होगा तो हमें तो उसके अनुसार लेंगे। हाँ और जन यही होता है आपका माइनस पाई से पाई ही लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। ओके सर, ये आपको याद रख लो अभी के लिए, ठीक है। खैर मैंने बता दिया था ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, चारों क्वाड्रेंट के एंगल है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालने का तरीका होता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वाई आपका है माइनस वन, एक्स की वैल्यू है माइनस रूट थ्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपने निकाल लिया एक्यूट एंगल टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई मतलब माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स मतलब माइनस रूट थ्री, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन इनवर्स हो जाएगा वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री का कौन से एंगल पे आता है 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब पाई बाई सिक्स, ये फर्स्ट अपन ने निकाल लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है एक दिख रहा है, दोनों नेगेटिव है, रियल पार्ट भी नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, नेगेटिव दोनों नेगेटिव है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहां पे लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होगा माइनस पाई प्लस थीटा, तो माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है पाई बाय 6, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 करोगे तो आ जाएगा माइनस 5 पाई बाय 6, ये आपका आर्ग्यूमेंट आ गया, क्लियर है? यस सर। यस सर। सर ये कह सकते हैं अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, हां दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो ये एक कभी-कभी जनरलाइज फॉर्म में भी लिखते हैं, जो अपन थीटा निकालते हैं उसको 2n पाई के टर्म्स में भी लिखेंगे तो मतलब बात वही है, घुमा फिरा के, जैसे मान लो अगर ये आपका थीटा है फॉर एग्जांपल थीटा, तो 2n पाई प्लस थीटा करूंगा तो वापस वहीं पे आ जाऊंगा, तो कभी कभी आपको ये भी इस फॉर्मेट में भी लिखने को मिल जाएगा। एक तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी किस में होगी, माइनस पाई से पाई में,
जो आपको मैंने अभी बताया, कभी कभी अगर जनरल फॉर्म में लिखा जैसे जो भी आंसर आए उसके आगे कभी कभी 2n pi भी ऐड कर सकते हैं ऑप्शंस में, तो बात कोई बात वही है, समझा ना, जो भी 2n pi का मतलब क्या होता है, 2n pi घूम जाओगे तो वापस वही आ जाओगे, ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। ये कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर निकालते, ध्यान से समझना, जेड इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा कहाँ पे लाई करेगा ये? और ऊपर एक्सिस के ऊपर, यही है, यहीं पे लाई करेगा थ्री आयोटा। यस, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे। इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा बताओ, क्या डायरेक्टली बता सकते हो? जीरो, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट वाले का आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, पाई बाय टू, मॉड्यूलस कितना है? थ्री, मॉड्यूलस थ्री, वेरी गुड। सेकंड वाले का आर्ग्यूमेंट बताओ, रियल पार्ट, रियल एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट कितना होगा, यहाँ पे लाई करेगा तो एंगल कितना होगा, जीरो, और मॉड्यूलस। थर्ड वाले का माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट बता दो सर, नीचे वाली इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव वाली। हाँ, तो यहाँ पे तो एंगल कितना आएगा, माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, मॉड्यूलस वन वन, माइनस थ्री, माइनस थ्री, पाई बाय थ्री भी तो कह सकते हैं ना, कह सकते हो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आपको यही बोला मैंने, ये लेना आपको माइनस पाई से पाई, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट बताओ, पाई, आर्ग्यूमेंट पाई और मॉड्यूलस थ्री। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी, मॉड्यूलस अगर जीरो हो रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस वापस देख लो एक बार, मॉड्यूलस अगर जीरो हो रहा है, मॉड्यूलस अगर जीरो हो रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस अगर जीरो हो रहा है मतलब कहां पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा, मतलब जेड भी क्या होगा, जीरो होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जीरो मतलब वो कौन सा होगा, जीरो कॉमा जीरो। कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम, क्योंकि देखो जेड अगर मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके कॉन्जुगेट की बात करूं तो कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका अगर मॉड्यूलस निकालू तो वो भी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वापस आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, मतलब इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस क्या होगा, सेम होगा, कॉन्जुगेट का और कॉम्प्लेक्स नंबर के, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस क्या होगा, सेम होगा। क्या प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकता है? यस सर, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अलग अलग, जेड वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू कॉन्जुगेट, डिविजन में भी क्या हो सकता है, अलग अलग। और ये बताओ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा, डिफरेंस मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव बना देना क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड ले रहे, वो वाला मॉड है, वो जो पॉजिटिव बनाने वाला मॉड जो आप फंक्शन में पढ़ते हैं वो वाला मॉड है। तो ये वाला ध्यान रखना, दिस इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल मॉड और ये हमेशा इनके डिफरेंस से ज्यादा होगा, डिफरेंस के मतलब इसका यहाँ पे भार वाला ये मॉड है कि अगर ये नेगेटिव आए तो पॉजिटिव बना देंगे, इसके मैग्नीट्यूड से क्या होगा ज्यादा और इंडिविजुअल से क्या होगा कम, तो ये चीज आप ध्यान रखना प्लस वाले। सर ये होल मॉड z1 प्लस z2 और होल मॉड z1 माइनस z2 के बीच का रिलेशन है कुछ? नहीं नहीं नहीं, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, अभी ठीक है, अभी ज्यादा मत बताओ, सब बच्चे भी नए नए आए हैं, ठीक है, z1 प्लस z2 ये अभी सिर्फ काम काम की चीजें देख लो, इसके बाद आपको जो जो भी इंडिविजुअल डाउट है अभी कॉपी में लिख के रख लो, क्लास के एंड में पूछ लेना, जो भी काम की चीजें पूछे वो बताना है। तो ये देखो एडिशन है, ये लेस देन आएगा और ये ग्रेटर देन आएगा, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया है, इसको रट लेना घर जाके, अभी इस पे क्वेश्चन भी करूंगा मैं, ठीक। चलो यहाँ पे आ जाओ, एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इसके मॉड्यूलस पूछा,
अभी सिखाया था आपको कैसे निकालेंगे, इस पूरे का मॉड निकालना है। इस पूरे का क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड्यूलस ऐसी चीज है जो प्रोडक्ट और डिवीजन में अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट में और डिवीजन में सब जगह अलग अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा मॉड इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और मॉड पावर में भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इन सबका मॉड इंडिविजुअली निकाल, तो पूरे मॉड का जेड निकालना मतलब सबका इंडिविजुअल होगा। वन प्लस आयोटा का मॉड कितना होगा बोलो, 1/25 करेक्ट है। और इसका मॉड रूट फाइव ये हो जाएगा नीचे रूट टेन हो जाएगा रूट फाइव की पावर फोर ठीक है 1/25 सही बताया, क्लियर है। तो ध्यान रखना है बस प्रोडक्ट में सब कुछ अलग अलग हो जाएगा जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, बोला है कि मॉड ऑफ जेड प्लस सिक्स इज इक्वल टू 3z+2 का मॉड्यूलस, तो प्रूव करो कि मॉड जेड की वैल्यू 2 होगी, प्रूव करो कि मॉड जेड की वैल्यू 2 होगी। सिंपल मॉड स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं क्या, जैसे सर नॉर्मल हम मैथ्स में अगर नॉर्मल करते हैं रियल फंक्शंस को वैसे इनको भी कर सकते हैं स्क्वायर करके सॉल्व वगैरह से होता है। हां कर सकते हैं स्क्वायर वगैरह करके, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो मॉड जेड का स्क्वायर आएगा, मॉड जेड के स्क्वायर को आप क्या लिखोगे जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट, ये ध्यान रखना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगाना, स्क्वायरिंग करोगे तो मॉड जेड का स्क्वायर आएगा, मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट। सर इसे बिना स्क्वायर के भी तो कर सकते है ना, कैसे अलग अलग करके, ये बोल रहा था मैं, अलग अलग नहीं कर सकता ना एडिशन में मॉड्यूलस, वही तो समझाया था अभी, क्या बताया था मॉड्यूलस एडिशन में अलग अलग नहीं होगा, आवाज कट रही है जो बोल रहा था। ठीक है, ऐसी मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, नहीं मॉड्यूलेशन मॉड्यूलस एडिशन में अलग अलग नहीं होता, वही समझा रहा हूँ मैं इसको, आप मॉड जेड प्लस मॉड सिक्स नहीं लिख सकते, ये गलत है। सर वैसे लिखते हैं ना रूट में जेड स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस से, वो सर इसको वैसे अलग अलग हो एक्स प्लस सर इसको जेड जेड कॉन्जुगेट में देंगे फिर सर सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है, स्क्वायर से हो रहा है सर, हाँ स्क्वायर से भी हो जाएगा, जिसको वो ऐसे मत लिख देना इसको, वो तब लिख पाओगे जब जेड की वैल्यू आप एक्स प्लस आयोटा वाई रखोगे तब वो मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई करना। मॉड्यूलस का फॉर्मूला कितना होता है ये, वहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस फॉर्मेट में होगा तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे, इसको जेड स्क्वायर प्लस सिक्स मत लिख देना 36। ठीक है, उसका आप जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख के आप करना सॉल्व, अगर जो भी वो वाला तरीका बता रहा था। अब देखो यहाँ पे ये है, दोनों तरह स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग का फॉर्मूला होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो जेड इनटू इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट मतलब ये, और इसका भी क्या हो जाएगा 3z+2 इनटू इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करिए जो आपको मैंने कहा था, काफी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर हमेशा क्या लिखोगे जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होगा जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट। अब इनको प्रोडक्ट कर देना, इनको जैसे प्रोडक्ट करोगे आपके पास Z into Z conjugate मतलब mod Z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे आगे सॉल्व, सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट पिट जाएंगी चीजें, यहाँ से आपके पास Z into Z conjugate की वैल्यू आएगी, उसको आपके लिखना mod Z का square। ठीक है, घर का ये बस मल्टीप्लाई जैसे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको फिर इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, दोनों तरफ सिंप्लीफाई करना, सिर्फ यही बचेगा। ठीक हो जाएगा सॉल्व, टफ नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंट ये बताना था कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसको आप ऐसे यूटिलाइज करना, कभी ऐसा मॉड्यूलस आए स्क्वायरिंग करनी पड़े तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये सर आयोटा बी वाला फिर कैसा होता है, उसमें जेड की जगह ए प्लस आयोटा बी रख देंगे। हाँ ए प्लस आयोटा बी करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, फाइनली अगर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म क्रिएट होगा तो फिर होगा लेंथी जाएगा काफी। सर मॉड को दूसरी साइड भेज के प्लस माइनस करके नहीं सॉल्व कर सकते, कौन सा मॉड को उधर भेजोगे सर, लेफ्ट वाले को राइट में भेज, नहीं प्लस माइनस दोनों को लेते हैं, नहीं नहीं वैसा मत करना, ये मॉड वो मॉड अलग है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला मॉड है ये। ठीक है, इसी से ये प्रॉपर्टी आई है जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, तो जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर
क्या होगा जैसा अभी मैंने बताया आपको, जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू कॉन्जुगेट, इस पूरे का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट, रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड टू जेड वन कॉन्जुगेट, ये होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद और उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी ऐसे ही डिराइव हुआ, मॉड फॉर कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करके, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट, इसी फॉर्मूले से डिराइव करके ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है कि मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर कितना होगा, जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस ये, चाहो तो ऐसे याद करो या फिर ऐसे याद करो, इसको मैं वापस लिख देता हूँ कैसे याद रखना है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड टू इंटू जेड वन कॉन्जुगेट, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और माइनस अगर आएगा तो यहाँ पे सिंपल माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इन दोनों की जगह माइनस, जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड टू इंटू जेड वन कॉन्जुगेट। सर इसमें रियल पार्ट का यूज क्यों किया ये वाला बता दीजिएगा, वो उसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा ये, और इस एक्सप्रेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, वो जो वापस सिखाया था जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, और इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करके ये लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो ये याद कर लेना, सिविता याद कर लो। सर अभी थोड़ी देर पहले जो आपने ब्रैकेट में लिखा था तो उसमें जेड वन प्लस जेड टू का होल बार वाला, सर वो बता दीजिए एक बार, क्या सर अभी आपने लिखा था ना ये जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, जेड वन प्लस किसी भी चीज का मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद और उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। हाँ सर यही, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा जो अभी बताया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, के मॉड ऑफ जेड प्लस इसका स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, फिलहाल फॉर्मूला क्या था अभी बताया मैंने, जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड टू इंटू जेड वन कॉन्जुगेट, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि इसकी वैल्यू सिर्फ इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये वाली क्वांटिटी जीरो होगा, जीरो होगा, मतलब ये वाला बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, जीरो, मतलब जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड टू इंटू जेड वन कॉन्जुगेट, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, जेड वन अपॉन जेड टू क्या होगा ये पूछा गया, मतलब मुझे जेड वन और जेड टू का रेशियो निकालना है, जेड वन और जेड टू का क्या निकालना है, रेशियो, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको उधर भेज रहा हूँ, तो जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ ये उधर जाके क्या होगा, जेड टू इंटू जेड वन कॉन्जुगेट, मुझे जेड वन अपॉन जेड टू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जेड वन अपॉन जेड टू, तो जेड टू को अगर उधर भेजेंगे और उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जेड वन कॉन्जुगेट अपॉन जेड टू कॉन्जुगेट, ठीक है यहाँ तक। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और कि जेड वन अपॉन जेड टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू का होल कॉन्जुगेट, जेड वन अपॉन जेड टू का होल कॉन्जुगेट, इसको मान लो अल्फा मान लिया, इसको क्या मान लिया, अल्फा फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो, क्या है यहाँ से, अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट जीरो, और एडिशन करने पे क्या आता था, रियल पार्ट, और रियल पार्ट अगर जीरो है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, इमेजिनरी, देखो उस पार्ट का यहाँ पे यूज हो गया, आगे समझ में, तो दोनों तीनों चीजों का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूले में अप्लाई किया, तो फॉर्मूले में ये वाले एक्सप्रेशन नहीं आया, इसको जीरो से इक्वेट किया, इसको जीरो से इक्वेट किया, फिर जेड वन अपॉन जेड टू का टर्म क्रिएट किया, वहां से जैसे ही टर्म क्रिएट हुआ अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट जीरो आता, और अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट होता क्या, रियल पार्ट, रियल पार्ट अगर जीरो है मतलब प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी, प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी। एक बार वो घर पे जाके इन सब फॉर्मूले के साथ इनको ट्राई करना, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अभी हो सकता है एक बार में समझ में आए, लेकिन आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अपन को पूरा चैप्टर कवर करना है। नेक्स्ट वाला ट्राई करते चलो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड इलस्ट्रेशन है, ये अगर बेसिक फंडामेंटल आपको अप्लाई करना है, अगर कैसे अप्लाई कर रहे हैं सीखे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में हमको बोला गया कि मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू 3 के बराबर है, क्वेश्चन में हमको बोला गया मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू 3 के बराबर है, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जेड प्लस 1 बाय जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसमें जब भी मैक्सिमम मिनिमम जहां पे भी दिखे और मॉड्यूलस दिखे, हमेशा सोचना इनइक्वालिटी, हमेशा बस एक ही चीज दिमाग में लेना, तो वो इनइक्वालिटी को यूज करना है,
जहां पे भी आपको ये वर्ड दिखे मैक्सिमम मिनिमम और मॉड्यूलस का यूज हो रहा है तो आप क्या यूज करोगे इनइक्वालिटी जो अभी आपको मैंने बताई तो इनइक्वालिटी का फॉर्मूला वापस लिख रहा हूं देखो ध्यान से z1 plus z2 is always what less than equal to बताओ क्या था z1 plus z2 वेरी गुड और मैंने एक और चीज बताई थी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता था माइनस का किसके माइनस का याद आ रहा है कम ऑन मॉड के हां समझ में आ रहा है यहां तक या भी मैं अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले हेलो यस सर समझ में आ रहा है अब यहां पे z1 की जगह z हो जाएगा z2 की जगह क्या आ जाएगा 1 / z है ना तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मतलब इससे कम इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 10/3 मैक्सिमम क्या होगा इसका एडिशन इनका क्या हो जाएगा एडिशन समझ में आ रहा है यस सर हो जाएगा मॉड z प्लस 1 अपॉन मॉड z और मॉड z आपको कितना दिया हुआ है 3 तो हो जाएगा 3 + 1/3 कितना हो जाएगा 10/3 तो ये आपके आ गए मैक्सिमम वैल्यू ये आपके क्या आ गए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ये इससे हमेशा बड़ा है तो मिनिमम कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस 8/3 मिनिमम कितना आ जाएगा मॉड z माइनस 1 / मॉड z इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 - 1/3 कितना आ जाएगा 8/3 ये आपके आ गए मिनिमम वैल्यू आपके आ गए मैक्सिमम वैल्यू क्लियर हो गया सबको सर अगर नेगेटिव आती तो भी पॉजिटिव वाली वैल्यू बताते हां पॉजिटिव क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव ना किसी भी चीज की लेंथ लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव इसलिए हमने यहां पे मॉड लगाया पॉजिटिव बनाने के लिए ठीक है ओके सर ओके यहां तक समझ में आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन यस सर ठीक है चलो ये वाला ट्राई करो आप फाइंड फॉर फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z की आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इफ मॉड ऑफ z माइनस 2 इक्वल टू 4 ये आपको गिवन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये पता करना है सब लोग ट्राई करो चलो इस क्वेश्चन को दिमाग लगाओ थोड़ा एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करो मॉड z का और ये आपको गिवन है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 इक्वल टू 4 देन फाइंड द मिनिमम इसको करने का एक तरीका और मैं सिखाऊंगा आगे ज्योमेट्रिकली भी फिलहाल अभी बेसिक से अप्लाई करो ज्योमेट्रिकली भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो क्लास के एंड में 6 and 2 ठीक है देखते हैं 6 मैक्सिमम 2 मिनिमम बाकी लोग भी ट्राई करो क्या आंसर करा रहे हैं सर 6 ही आ रहा है सर मैक्सिमम ठीक है अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस तो माइनस वाली प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू है ना ये वाली प्रॉपर्टी थी ये एक्सप्रेशन हमेशा इससे क्या होगा छोटा होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब इसके बराबर हो जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब इसके क्या हो जाए बराबर या फिर और क्या तरीका अपना सकते हो बताओ आपने वो कौन कैसे किया ज्योमेट्री से करा था मैंने नहीं बिना ज्योमेट्री के एक बार सोच के बताओ इनइक्वालिटी का यूज करके कैसे एक्सप्रेशन एक्चुअली इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है थोड़ा ज्योमेट्री से हो जाएगा नो डाउट लेकिन एक बार इनइक्वालिटी से सोचो मेरे के बताओ मुझे कैसे करोगे कैसे एक्सप्रेशन वाला क्रिएट करने की कोशिश करें सर स्क्वायर मान सकते हैं स्क्वायर ले लो होल मॉड ग्रेटर देन जेड का मॉड माइनस 2 का मॉड क्या कह रहे हो सर स्क्वायर ले सकते हैं स्क्वायरिंग अगर करोगे तो क्या होगा मैक्सिमम कहां से लेकिन मैक्सिमम मिनिमम निकालना आप मॉड्यूलस z नहीं निकालना मैक्सिमम मैं कह रहा हूं z माइनस z माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन मॉड z माइनस मॉड 2 अच्छा ठीक है z माइनस 2 के होल मॉड को 4 रख दिया और 2 को सेट ले गया तो वैसे कर सकते हो z माइनस 2 का होल मॉड डिफरेंस हमेशा क्या होगा जो भी मैंने बताया एक तो लेस किससे होगा सम के इनके सम से क्या होगा लेस सॉरी यहाँ पे प्लस ही आएगा ये सबको क्लियर है जेड वन माइनस जेड टू का होल मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू हेलो ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले अब इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड प्लस 2 प्लस 2 उधर चला जाएगा जेड ग्रेटर देन 2 तो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मिनिमम कितना आ जाएगा 2 मैक्सिमम निकालना तो उल्टी इनइक्वालिटी सोचना पड़ेगा तो दिस इज ग्रेटर देन व्हाट
सर जेड माइनस टू इनके डिफरेंस से क्या होता है ग्रेटर, इनके डिफरेंस से क्या होता है ग्रेटर, तो वो वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे डिफरेंस वाला, एक सेकंड वहां से सीख सकते हैं ठीक है। तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, आगे जाके ज्योमेट्रिकल तरीका भी सीखूंगा, फिलहाल अभी ये तरीका भी ध्यान रखना। तो ये दिस, इसको मैंने क्या लिखा, दिस इज ग्रेटर देन इनके डिफरेंस ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू है फोर, ये उधर चला जाएगा, तो मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू सिक्स। तो लेस देन इक्वल टू सिक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू टू और मैक्सिमम वैल्यू सिक्स, ये ध्यान रखना। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री आती है, इस बार अगर आप 2023 क्या कह रहा हूँ, वेटेज एक क्वेश्चन आता ही है मिनिमम, और कभी कभी ज्यादा खुश होते तो दो दे देते, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी और चैप्टर में भी यूटिलाइज कर लेते हैं, फंक्शन में भी डाल देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़ना तो है ही सही, इसका एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपका। वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री आएगी मेंस में भी ठीक है। इस बार 2023 का अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री पे बेस्ड, आगे बताऊंगा। ज्योमेट्री मतलब वो अपन को एनालिसिस करना पड़ता है कि इस ज्योमेट्री के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पहले एडवांस में आता था लेकिन अब मेंस में पूछने लग गए। अब देखो फटाफट, ये प्रॉपर्टी होती है आर्ग्यूमेंट की, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो तो उनका आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो सकता है, एडिशन में ब्रेक हो सकता है, डिवाइड में आर्ग्यूमेंट में क्या होता था डिफरेंस, वो पावर एन आगे आ जाती है। ये क्यों होता है, इसको मैं जब आपको वो पढ़ूंगा पोलर फॉर्म तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी के लिए ध्यान रखना, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन और जेड टू, उनके प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट निकालना है, उनके किसका निकालना है प्रोडक्ट प्लस में कर देना, हाँ वैसे लॉग वाले लॉग टाइप से ठीक है। और पावर अगर एन होगी तो एन आगे आ जाएगी, क्लियर है, हाँ हाँ ठीक है ठीक। फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस, जेड इक्वल टू प्लस आयोटा की पावर फाइव, करो आंसर निकाल के बताओ कितना है। अरे आंसर बताओ, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आंसर बताओ। चैट बॉक्स में लिख देना 5π/4 ठीक है। देखो सबसे पहले अंदर वाले का आर्ग्यूमेंट निकाल लेना, तो अंदर वाले 1 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 5/x, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स मतलब पाई बाय 4, और ये पाई बाय 4 है तो इसकी पावर 5 है, तो 5 को आगे ले आओगे तो कितना हो जाएगा 5π/4, क्लियर है। और प्रिंसिपल 5π/4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 5 + 5/4 तो -3π/4 लिखेंगे इसे, हाँ उसको वही कह रहा हूँ मैं। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 225 मतलब ये देखो ये यहाँ पे आ गया तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए इसको 2π से क्या कर देना माइनस, पीछे से जाओगे ना तो 2π माइनस 5π/4 मतलब किया था, नहीं मैंने सिर्फ अंदर वाले पार्ट को सॉल्व किया, अंदर वाला पार्ट 1 प्लस आयोटा, तो उसका आर्ग्यूमेंट मैंने निकाले पाई बाय 4, उसकी पावर 5 है तो आर्ग्यूमेंट में पावर जो भी होती है वो आगे आ जाती है, तो इसका आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय 4 है तो उसकी पावर 5 का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा 5π/4। अब 5π/4 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला ये पाई बाय 4 और ये आपका हो जाएगा पाई, पाई प्लस पाई बाय 4। लेकिन मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कैसे लेता था, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता था थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरह से, इस तरह से पूरे पाई में से पाई बाय 4 भी क्या कर सकते हो माइनस, ये वाला आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वार्टर में क्या होता था माइनस पाई प्लस थीटा, तो माइनस पाई प्लस थीटा मतलब माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये माइनस ऑफ 3π/4 ठीक है। तो ये देखो यहां पे जो मां बाप का आर्गुमेंट जो आपका आया था, देखो ध्यान से,
आर्ग्यूमेंट जो आपका आया था जेड आपको दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा की पावर 5, ठीक है। अब अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको जेड 1 बोल दिया। इसका आर्ग्यूमेंट अगर आप निकालोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई बाय 4 आएगा। क्या आएगा? पाई बाय 4। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर पावर एन है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं, एन टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो एन क्या आ जाएगा आगे, तो जिस जेड जो कि 1 प्लस आयोटा की पावर 5 है इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 मतलब अगर आप देखोगे तो पाई प्लस पाई बाय 4 है। 5 पाई बाय 4 मतलब क्या होता है, पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे और ये आपका आर्ग्यूमेंट आ रहा है 5 पाई बाय 4। तो ये वाला कौन सा सेंस है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन हमारा कन्वेंशन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हैं। कौन सा देखते हैं, क्लॉकवाइज। तो ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल कैसे निकाल लोगे आप, या तो पूरे में से ये माइनस कर दो, या फिर आपको जो मैंने सिखाया था ये एंगल पाई बाय 4 है, तो इसको एंगल, ये थर्ड क्वाड्रेंट का निकालने का तरीका कितना है, माइनस पाई प्लस थीटा, मतलब माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाय 4। या फिर आप चाहो तो पूरे 2 पाई में से ये भी माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, फिर उसको नेगेटिव टाइम्स कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कैसे बताया, तो सर 2 पाई से आपने जो बताया उससे कैसे करेंगे 2 पाई वाला, वो रहने दो। चलो आपको जो समझाया आगे समझ में ये तरीका अपना लेना, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जिसका जेड मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा, मतलब रियल पार्ट तो वही रहता है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है। मतलब अगर जेड ये है तो रियल पार्ट तो वही रखना है, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देना, नेगेटिव कर देना मतलब नीचे आ जाना है, तो इसका जेड कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट तो वही है एक्स है, इमेजिनरी पार्ट वाई का कितना हो जाएगा, माइनस वाई। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ये है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो इसका इमेजिनरी पार्ट आपका नीचे आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट पार्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो जेड अगर ये है तो ये हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट। तो अगर इसका आर्ग्यूमेंट की बात करें, इसके आर्ग्यूमेंट की बात करें, तो अगर आर्ग्यूमेंट इसका थीटा है तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, कॉन्जुगेट का माइनस थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कॉन्जुगेट का माइनस थीटा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, माइनस साइन का अंतर होता है। मतलब अगर एक की वैल्यू पाई बाय 3 है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाय 3। एक पाई बाय 6 है तो दूसरा क्या होगा, माइनस पाई बाय 6। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ द कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट, पहली चीज, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर ये मान लो जेड है तो इस पूरे को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट अपोजिट चला जाएगा, कहां चला जाएगा, अपोजिट में, अपोजिट में मतलब यहां पे आ जाएगा। तो अगर ये जेड है तो ये आपका हो जाएगा माइनस जेड, क्योंकि इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कहां पे आ जाएगा, डायरेक्ट उल्टा थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसका आर्ग्यूमेंट अगर आप चाहो, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्लियर है। तो ये जेड कॉन्जुगेट, तो ये वाला, अच्छा इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस जेड कॉन्जुगेट। खैर आपको ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस ये फर्स्ट वाला ध्यान रखना फिलहाल के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्ग्यूमेंट एक दूसरे का नेगेटिव होता है। अगर जेड ये है तो जेड आर्ग्यूमेंट, जेड कॉन्जुगेट ये होगा, जेड ये है तो जेड कॉन्जुगेट होगा, ये थीटा होगा तो ये माइनस थीटा होगा, थीटा निकाल के माइनस टाइम्स कर देना है। चलो खैर उस इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, वो बस बताने के लिए बता दिया, मेन आप ज्योमेट्रिकल भी नॉर्मली भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्राई कर लेते हैं एक बार, जेड एंड ओमेगा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा टाइम्स ओमेगा कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू ओमेगा इक्वल टू पाई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा ये पूछा गया, ट्राई करो, दो तीन तरीके इसको करने के। सर आर्गुमेंट प्रोडक्ट में प्लस की तरह टूटता है। हाँ, प्रोडक्ट में प्लस में टूट जाएगा। और सर अगर प्लस हो तब आर्गुमेंट दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? हाँ, उल्टा भी तो ट्रू होगा, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई कर देना, जेड वन प्लस जेड टू मत कर देना मल्टीप्लाई,
ऐसा होगा तो अब देखो यहाँ पे सिंपलीफाई करने के दो तीन तरीके हैं, दोनों तरीके सीखते हैं। देखो यहाँ पे गिवन था ये मॉड ऑफ जेड जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस आयोटा टाइम्स दिस। अगर मान लो दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, अगर दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लें, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, इधर का कॉन्जुगेट इधर का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे पहले से जेड कॉन्जुगेट दिया हुआ था आयोटा डब्ल्यू कॉन्जुगेट, तो अगर दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लूंगा मैं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये जेड हो जाएगा, जेड का जेड कॉन्जुगेट क्या होगा जेड, और यहाँ पे देखो क्या होगा डब्ल्यू का डब्ल्यू कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और ये कितना होगा बताओ माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होगा आयोटा, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा आयोटा, मतलब जेड की जगह में आयोटा डब्ल्यू भी रख सकता हूँ, ठीक है। हाँ तो चाहो तो आप चाहो तो यहाँ पे रख दो, ठीक है, किसी एक को रिप्लेस भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू आपको कितना गिवन है पाई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड की जगह मान लो आयोटा डब्ल्यू रख दिया, या फिर आपको अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ही निकालना है ना तो आप डब्ल्यू को रिप्लेस कर दो, डब्ल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से आयोटा के टर्म्स में, आयोटा को उधर भेज देंगे या फिर दोनों तरफ आयोटा से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, दोनों तरफ माइनस आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा जेड इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा, तो डब्ल्यू की जगह ये लिख देते हैं, जेड को जेड रहने दिया, डब्ल्यू की जगह माइनस आयोटा जेड रख दिया इक्वल टू पाई से ट्राई करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आर्ग्यूमेंट सर मेरा उससे आ गया 3π/4 आ गया आ रहा है, एक मिनट सर बट थोड़ा अलग से क्या है, हाँ बता देना एक मिनट रुको, पहले ये वाला तरीका अपना लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इसको मैंने ये लिख दिया जेड स्क्वायर, अब चाहो तो यहाँ पे आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक आयोटा और एक क्या जेड स्क्वायर है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई, माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना होगा अभी बताया था, माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई टू, माइनस ऑफ पाई बाई टू प्लस ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई, ये माइनस उधर चल जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई टू, तो पाई प्लस पाई बाई टू कितना हो जाएगा 3π/2, टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3π/4, ठीक है। इसको करने के दो तीन तरीके, पहला तरीका जो मैंने समझाया ध्यान से देखो, इसको ही मैंने सिंप्लीफाई, ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसको मैं उधर ले लिया, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया डब्ल्यू इक्वल टू आयोटा जेड आ गया, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया आयोटा टाइम्स माइनस आयोटा टाइम्स जेड आ गया, और फिर यहाँ पे मैंने इसमें वैल्यू पुट अप कर दी, किसमें जो गिवन एक्सप्रेशन था सेकंड वाला उसमें डब्ल्यू की जगह क्या रख दिया आयोटा जेड, डब्ल्यू की जगह आयोटा जेड रखा तो ये आ गया, फिर इसको प्रोडक्ट को एडिशन में तोड़ दिया, सिंप्लीफाई किया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया, क्या ये वाला मेथड समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। हाँ अब सेकंड तरीका बताओ कौन बताओ क्या तरीका अपनाया था सर, एक हमें वो मिल गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस ओमेगा पाई होता है, हाँ हाँ, एंड सर जो z इक्वल टू आई ओमेगा से मतलब ये पता चल गया कि z और i के बीच में पाई बाय 2 का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, हां वो ज्योमेट्रिकली पता चल गया, z और पाई बाय 2 का, हां z i 90 डिग्री का रोटेशन डिनोट करता है ना, हां हां ठीक है ठीक है, फिर तो सर वहां से एंगल्स आ जाते हैं मतलब ज्योमेट्री लगानी फिर, ठीक है ठीक, बाकी ये समझ में आ गया, देखो सिंपलीफाई किया कुछ भी नहीं किया इसको, यहां से पहले ये एक्सप्रेशन लाया, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके अंदर रखी और अलग-अलग करा तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया, जो चाहिए था वही निकल गया, क्लियर है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है आपका पोलर फॉर्म, अब इसको ध्यान से सीखो, अगर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं, जैसे अपन ये अपना स्ट्रेट लाइन सर्कल में अपन पढ़ते थे पोलर फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म, इस तरह से जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्कल है तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्मेट में लिखने का तरीका क्या होता है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, वैसे यहाँ पे भी हमने पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया, जैसे मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इसके मैग्नीट्यूड को अगर अपने आर बोल दिया, मैग्नीट्यूड को क्या बोल दिया मॉड्यूलस को आर बोल दिया, और आर्ग्यूमेंट को अगर थीटा बोल दिया, आर्ग्यूमेंट को क्या बोल दिया थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपका आर का इधर कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा आर साइन थीटा,
ठीक है, अगर इसको आर बोल दिया, इसको थीटा बोल दिया, तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वाई। मतलब एक्स की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, आर कॉस थीटा, और वाई की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, आर साइन थीटा, वेयर आर एंड थीटा आर व्हाट, आर इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपली इन्होंने क्या बोला है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को मैं आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ। आर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इसी में आगे एक और फॉर्म अप्लाई किया गया था, यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म में क्या बोला गया था, ये जो कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी को एक और नया एक्सप्रेशन बोल दिया, ई की पावर आयोटा थीटा। इसको भी क्या लिख दिया, ई की पावर आयोटा थीटा। अभी कैसे आया, ये सीरीज एक्सपेंशन से आया, जिसके बारे में अभी अपन को जाना नहीं, बस आपको याद रखना है कि कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा। ये बस ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखने का एक तरीका और क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखने का एक और तरीका क्या है, e की पावर आयोटा थीटा, इसको बोलते हैं यूलर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया पोलर फॉर्म। एक तो जनरल फॉर्म क्या था, x प्लस आयोटा y, और उसको लिखने का एक और तरीका क्या हो गया, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ध्यान रखना, पहले cos आ रहा है, बाद में आयोटा के साथ क्या रहा है, साइन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, cos। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, r e की पावर आयोटा थीटा। क्या है, समझ में आ गया सबको? सर इसमें लिमिट वाले एक्सपेंशन यूज किया है ना, साइन थीटा और cos थीटा का। हाँ, जो लिमिट में एक्सपेंशन यूज किया था वो। ओके सर, लेकिन वो काम का नहीं, उसके बारे में मत सोचो अभी, इसलिए जो काम की चीज है वो यहाँ पे देखो। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस, ये ध्यान रखना बस, एक्सप्रेशन आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और कैसे आया ये मैं आपको बता दिया, ये पोलर फॉर्म है। और जनरली जब भी ये यूज कहाँ करेंगे, जब भी आपको हायर पावर आती है और आर्ग्यूमेंट वगैरह निकालना रहता है, तब अपन पोलर फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये mod z equal to, sorry, z equal to 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है नॉर्मल फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बताओ क्या लिखेंगे? पोलर फॉर्म मतलब r cos theta plus iota sin theta। तो r कितना है बोलो, r कितना है, और theta कितना है, जीरो जीरो। तो cos जीरो प्लस iota sin जीरो। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोलर फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस 2 ही आ जाएगा। मतलब इसको लिखने का जरा तरीका है, तो z इक्वल टू का पोलर फॉर्म क्या हो गया, 2 cos 0 प्लस iota sin 0। ठीक है, बस थीटा कितना क्या हो गया, इसको पोलर फॉर्म में करेंगे, तो आवाज आपकी बहुत लो आ रही है, अगर चैट बॉक्स में टाइप कर दो क्या कह रहे थे, z इक्वल टू 3 आयोटा, नेक्स्ट इक्वल टू क्या दिया हुआ, z इक्वल टू 3 आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में बताओ, मैग्नीट्यूड कितना है, 3 cos ऑफ कितना आएगा, 90। तो cos pi by 2 plus iota sin pi by 2, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। ठीक है, z इक्वल टू 3 आयोटा का, और ये इसका पोलर फॉर्म हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट, अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो पूछा गया कि 1 प्लस अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा कितना होगा, इसमें थीटा क्या है, थीटा आई थिंक इन्होंने दिया नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा अल्फा का, ये वाला एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करो। तो अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड कितना दिया है 1। ठीक है, तो इसको अपन पोलर फॉर्म से, जो भी एक्चुअली क्वेश्चन लेने का रीजन ये था कि इसको मैं आपको एक्सप्रेशन दिखा रहा था कैसे अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड 1 है, तो अल्फा को लिखने का एक तरीका क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, मतलब आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 1। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि आंसर थीटा के टर्म्स में निकालना, आर्ग्यूमेंट इसका कहता है कि मैग्नीट्यूड 1 है सर, अल्फा वैल्यू 1 है, ये कैसे है? ये दिया ना, देखो ये तो सर अल्फा की है ना, अल्फा तो अल्फा ही तो माना है, अल्फा अल्फा को ही तो माना है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अल्फा का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, तो r को हमने 1 रखा है ना। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि r तो नहीं दिया ना, अल्फा दिया ना, यही थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसका आर्ग्यूमेंट हमको दिया हुआ है कितना,
थीटा मान लिया और इसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है 1। यहां तक समझ में आया? यस सर। जल्दी बताओ इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आर कितना है? 1। आर मतलब क्या होता है? मॉड अल्फा ही तो होता है। आर मतलब मैग्नीट्यूड ना, ये 1 दिया है ना पंकज, तो आर की जगह हम क्या लिख देंगे? 1। आर की जगह क्या लिख देंगे? 1। आ गया समझ में? यस सर आ गया। ठीक है, तो ये आपका अल्फा हो गया। अल्फा क्या माना अपन ने? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन। अब जिसकी वैल्यू पूछी उसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की अगर यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ प्लस 1, और नीचे दिया होता है 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना, इस हाफ एंगल फॉर्मूले में लेके आना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करवाया हो कुछ भी नहीं। 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहा हूँ, 2 sin θ/2 cos θ। ठीक है, और नीचे भी सेम फॉर्मूला, 1 minus cos 2 theta, तो 2 sin²θ/2, और यहाँ पे हो जाएगा -iota 2 sin θ/2 cos θ/2। अब ऊपर से 2 cos θ/2 कॉमन लेंगे, नीचे से 2 sin θ/2 कॉमन लेंगे। ऊपर से 2 cos θ/2 कॉमन लिया, नीचे से 2 sin θ/2 कॉमन लिया। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा आपके पास? देखो cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बचेगा, और नीचे से sin थीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? sin θ/2 minus iota cos θ/2। क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, बताओ। ठीक है, अब देखो ये cos अपॉन sin, इसको क्या लिख सकते हैं? cot लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा। cos अपॉन sin को क्या लिख दोगे? cot। तो cot थीटा बाई टू इंटू, अब देखो ध्यान से, यहाँ दिया है cos थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, और नीचे क्या है? साइन और cos उल्टा हो गया है। और तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आयोटा से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, आयोटा के साथ क्या आ जाएगा? साइन थीटा, और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। और माइनस स्क्वायर बना देगा प्लस, माइनस क्या बना देगा? प्लस। तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हो, ऊपर और नीचे एक्सप्रेशन क्या हो गया? सेम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। इसकी वैल्यू क्या बचेगी? सिर्फ आयोटा। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? आयोटा कॉट थीटा बाई टू। ठीक है, तो देखो उस इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया? आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, आयोटा से जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऊपर नीचे क्या हो गया? सेम, तो कैंसिल आउट होगा। तो सिर्फ सिंपली क्या बचा? आयोटा और कॉट थीटा बाई टू। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इसमें क्वेश्चन में सिखानी थी। तो 1 प्लस cos वगैरह आया तो इसको हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जेई में नहीं आया था, लेकिन बस इसका क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के फॉर्म होते हैं, पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म। तो यह हो गया आपका पोलर फॉर्म, और इसमें इसी एक्सप्रेशन को e की पावर आयोटा थीटा लिख देंगे तो हो जाएगा आपका यूलर फॉर्म, r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, जेड इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। इसका पोलर फॉर्म बताओ। cos एंगल कितना लेंगे? आर्गुमेंट पाई बाय 3। कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या लेते हैं? तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ थीटा होता है, पाई माइनस थीटा। और थीटा क्या है? टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा इक्वल फर्स्ट क्वाड्रेंट का मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, तो टेन इनवर्स √3 आएगा ना वाई बाई एक्स, रूट थ्री मतलब 60 डिग्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो हो जाएगा 2π/3। वेरी गुड, 2π/3, तो हो जाएगा कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ठीक है, और इसका यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा? आर ई की पावर आयोटा 2π/3। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोलर फॉर्म, ये आपका हो गया यूलर फॉर्म। भैया अभी अब प्रैक्टिस के लिए बस सिखा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये हो गया, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये हो गया, बस ध्यान से आर्गुमेंट निकालना। क्लियर है? चलो क्लियर है सर। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये जो e की पावर, ये जो एक्सप्रेशन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ई की पावर आई टा थीटा, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, कितना हो जाएगा वन, तो ये भी चीज एक्सप्रेशन ध्यान रखना। इसका मॉड्यूलस कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा का मॉड्यूलस, मतलब ई की पावर आयटा थीटा का मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी आती है वन आती है, कितनी आती है वन, ये ध्यान रखना। चलो सर पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, आपने सेकंड बोला क्योंकि पाई बाय 3 आ रहा है ना, नहीं माई ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वन प्लस रूट थ्री आयटा, ये तो सेकंड होगा ना, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ओके सर, अब कोऑर्डिनेट को भी देखना पड़ेगा। हाँ देखना ही पड़ेगा ना, तुझे तो पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में। चलो इसको इवेल्यूएट करो, वन प्लस आयटा की पावर, इसको सिंप्लीफाई करना है, वन प्लस आयटा की पावर 10, तो जब भी हायर पावर आए तो हम हमेशा पोलर फॉर्म या फिर यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वन प्लस आयोटा को आप बताओ यूलर फॉर्म में क्या होगा, आर कितना है इसका, रूट टू, रूट टू, टू ई की पावर आयोटा, थीटा कितना है, पाई बाय फोर, वेरी गुड। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है, अब ये पावर 10 अंदर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, रूट टू की पावर 10, चाहो तो इसको आप अगर एक काम करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पहले इसको कॉस को साइन में लिख दो ताकि और आपको इजी दिखेगा, अगर पोलर फॉर्म में करना पड़ेगा रूट टू कॉस पाई बाय फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाय फोर की पावर 10। अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे पावर 10 जो है, जैसे ई की पावर आयोटा थीटा होता है की पावर एन है, तो एन अंदर चला जाएगा तो ई की पावर क्या हो जाएगा, एन थीटा, पावर अगर एन है तो क्या हो जाएगा एन थीटा, और एन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, अगर पावर अगर एन है तो ये एन यहाँ पे एंगल के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पावर 10 है तो ये 10 एंगल के साथ चली जाएगी, क्या समझ में आया, तो रूट टू की पावर 10 और जो पावर 10 है ये कॉस और साइन दोनों के साथ चली जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 10 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 10 पाई बाय 4, ठीक है। देखो ये क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा, और अगर पावर n है तो ये आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, n थीटा का मतलब क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, क्या यहां तक समझ में आया आपको, जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको यहां तक, बोलो बोलो। वाले में आपने ये क्यों किया है, मतलब 10 की पावर को अंदर यूलर फॉर्म में लिख लो ताकि थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए, आपको अगर नहीं लेना था इसको 10 बार मल्टीप्लाई करो, इसको इसकी वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, तो कैसे निकालो, या तो 10 बार मल्टीप्लाई कर लो या तो ये तरीका अपना, ठीक है। तो अगर आपको वो ऐसे नहीं लगता तो आप 10 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, और दूसरा इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं यूलर फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने ये वाला तरीका अपना दिया, रूट टू की पावर 10 तो हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 5/2 और ये भी हो जाएगा 5/2, कॉस ऑफ 5 पाई बाय 2 कितना होगा सर, पाई प्लस पाई बाय 2, अरे पाई बाय टू कॉस का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा क्या होता है जीरो ना, जीरो जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा आयोटा साइन 5/2, 5/2 मतलब इसको अलग अलग कर दोगे तो ये हो जाएगा 2π प्लस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, ठीक है। तो 2π प्लस पाई बाय टू कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय टू साइन पाई बाय टू कितना होता है वन, तो इसलिए कितना बचेगा 32 आयोटा। देखो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ये थी, तो ये ज्यादा आसान है कि 10 बार मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, तो ये वाला, ठीक है। तो इसलिए कभी भी यही बोला गया, हायर पावर आए कैलकुलेशन करनी हो तो यूलर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में बदल दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पे अब माइनस वन प्लस रूट थ्री बाई टू की पावर 5, अब या तो इसको 5 बार मल्टीप्लाई करो या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में करो, तो बी का आंसर आया किसी का, सेकेंड पार्ट किसी ने सॉल्व किया, पोलर से बता दो एक बार। हाँ बता रहा हूँ, ये समझ में आया यहाँ तक, पोलर फॉर्म में तो कुछ नहीं, पोलर फॉर्म से अच्छा कि ये आप लिखोगे तो यही, लेकिन बाद में फिर इसको कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब सर यूलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में तो क्या करना, बस कॉस और आयोटा साइन लिखो, रूट 3 बाय 2 सेकंड का कितना आंसर, 1 माइनस रूट 3 बाय 2, 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, ठीक है। देखते हैं सेकंड वाला, देख लो जगह नहीं के, चलो यहीं पे मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको मैंने पहले 2 को अलग अलग किया, ठीक है। अब चाहो तो यहीं पे भी दिख जाएगा, नहीं दिख रहा आपको अगर, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो इसका आर अगर निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1,
इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका थीटा बता दो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना आएगा थीटा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रूट थ्री मतलब पाई बाई थ्री, कितना आ जाएगा टू पाई बाई थ्री, अगेन टू पाई बाई थ्री आ रहा है, टेन पाई बाई थ्री अंदर हो जाएगा, ठीक है, पांच पांच अंदर चला जाएगा इन दोनों के साथ, और वन की पावर फाइव क्या रहेगा, वन ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा वन इंटू वन, तो चलो छोड़ो, कॉस ऑफ टेन पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है ये, पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया फिर पांच को अंदर भेज दिया। अब आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में टेन पाई बाई थ्री है तो टेन पाई बाई थ्री को कैसे ब्रेक करोगे, थ्री पाई प्लस पाई बाई थ्री, हाँ नहीं थ्री के आसपास क्या है, हाँ थ्री पाई प्लस पाई बाई थ्री, या फिर टेन को कैसे लिखोगे नाइन पाई प्लस पाई, और इसको भी नाइन पाई प्लस पाई, अलग अलग करोगे तो थ्री पाई प्लस पाई बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा कॉस ऑफ थ्री पाई प्लस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन थ्री पाई प्लस पाई बाई थ्री, थ्री पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड 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 क्वाड्रेंट में दोनों के होते हैं नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई थ्री और माइनस साइन पाई बाई थ्री, तो माइनस कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री पे कितना होता है 1 बाई 2 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2, तो ये आंसर माइनस 1 बाई 2 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2, तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनल सिंप्लीफाई होकर ये आएगी, क्लियर हो गया ये, तो आर निकालते हैं थीटा निकालते हैं फिर पावर को अंदर भेज देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए, बोलो समझ में आया क्या? यस सर। ओके ठीक है, घर पे जाके वो ट्राई कर लेना। चले एक और थोड़ा सा क्वेश्चन है, आयोटा की पावर आयोटा बताओ, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, तो देखो इसको मैं सिखाने का तरीका सिखा रहा हूँ, देखो इसमें एक्चुअली एक चीज यूज करते हैं, अच्छा आयोटा को मुझे पावर माइनस पाई बाय टू होता है, आयोटा को इसमें बताओ मुझे पोलर फॉर्म में क्या लिखूं, सर ई की पावर आयोटा पाई बाय टू, वो भी कर सकते होगा, आयोटा को आयोटा का आर्गुमेंट कितना होगा साइन 90 डिग्री 90 डिग्री वन, तो इसको मैं कॉस ध्यान रखना आयोटा को हमेशा क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन पाई बाय टू, एक तो ये और इसको हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाय टू, ठीक है ये चीज ध्यान रखना, आयोटा को लिखने का एक तरीका और क्या है कॉस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन पाई बाय टू या फिर ई की पावर आयोटा पाई बाय टू, ठीक है तो आप चाहो तो किसी एक आयोटा को बदल दो, तो इसको लिख दिया मान लो ई की पावर आयोटा पाई बाय टू की होल पावर आयोटा, इस आयोटा को मैंने क्या लिख दिया ये लिख दिया, अब आयोटा इंटू आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा ई की पावर माइनस ऑफ पाई बाय टू, ठीक है e की पावर माइनस ऑफ आयोटा सॉरी e की पावर माइनस पाई बाय टू, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस पाई बाय टू, क्लियर है क्लियर है, बस ये एक्चुअली बस ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा काम का नहीं था, बस ये एक्सप्रेशन आपको याद रखवाना था कि आयोटा को लिखने का एक तरीका ये भी है, चलो ये थोड़े से बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है घर पे ट्राई कर लेना, कुछ भी नहीं पावर पांच अंदर भेज देना और डिवाइड है तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएंगे डिफरेंस में, जैसे एक क्वेश्चन में करा देता हूँ सेकंड वाला देख लो, ये देखो ध्यान से 4 अपॉन 0.4 है तो इनको तो अलग अलग कर लिया अपन ने, ऊपर वाले को क्या लिखोगे cos 75 plus iota sin 75, इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर iota 75 डिग्री, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हो e की पावर iota 30 डिग्री, क्लियर है तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी सब्सट्रैक्ट, ठीक है तो कितना हो जाएगा 10 e की पावर आयोटा 45 डिग्री, मतलब 10 cos 45 आयोटा sin 45, 10 रूट 3 बाय 2 मतलब आयोटा रूट, देखो इसको सिंपलीफाई करके ये लिख दिया तो कितना ज्यादा है ये, मतलब ये प्रॉपर्टी कितनी काम आ रही, समझ में आ रहा है, सेम यहाँ पे भी cos 30 प्लस आयोटा sin 30 लिखा है, इसको लिख दिया e की पावर आयोटा 30 डिग्री की होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय e की पावर आयोटा 60 डिग्री की होल पावर 3, ठीक है पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो e की पावर आयोटा कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ई की पावर आयोटा 180 डिग्री, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम है पावर क्या हो जाएगी एड ई की पावर आयोटा कितना हो जाएगा 240 डिग्री, अभी आप निकाल सकते हो 240 को आप ब्रेक कर देना थीटा कॉस और साइन में, क्लियर है तो बस ये समझाने का तरीका ये था कि भाई कभी कभी अगर ऐसे एक्सप्रेशन आते तो हम पोलर और यूलर फॉर्म का यूज कर सकते चीजें सिंप्लीफाई कर लेंगे, सर 240 को किसमें करेंगे ये बता दीजिएगा, 240 को आप ब्रेक कर देना 180 प्लस 60 में तो अलग अलग कर लेना, ठीक है पाई प्लस पाई बाय 3 कॉस और साइन की वैल्यू निकाल लेना,
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ए की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर पावर एन आ जाती है तो एन क्या हो जाएगा, अंदर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर आयोटा एन थीटा, और एन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, जिसको डी मोवर्स थ्योरम बोलते हैं। अगर पावर एन है तो एन अंदर एंगल के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो ऑलरेडी अपन यूज कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा ये इसमें अपन देख लो, एक मिनट इसमें एक चीज बता। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर, जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन हो गया, जेड टू, आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जेड वन माइनस जेड टू। ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ट्राइंगुलर लॉ से जेड वन माइनस जेड टू। ये अगर जेड वन है, ये जेड टू है, तो ये हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू। जो काम की चीज है मैं वो इसमें एम्फसाइज करूंगा ज्यादा, तो अगर ये इनका मैग्नीट्यूड भी अगर हुआ तो इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसमें जो मेन काम की चीज वो देखो ध्यान से, अगर बोला गया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पाई बाय फोर, अब इसको ध्यान से देखो, तो जेड का लोकस क्या होगा ये पूछा गया। तो बोला गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पाई बाय फोर, इसका मतलब देखो ध्यान से कि मतलब लोकस मतलब ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसका आर्ग्यूमेंट क्या हो पाई बाय फोर। तो ये इन सबके पॉइंट का कलेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन जिनका आर्ग्यूमेंट कितना हो पाई बाय फोर। देखो ध्यान से, देखो आर्ग्यूमेंट पाई बाय फोर मतलब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले लिया जेड, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, एकदम मिडिल में कितना होगा, पाई बाय फोर, 45 डिग्री। अब इस अगर ये पॉइंट यहाँ पे लिया तो भी आर्ग्यूमेंट कितना होगा, पाई बाय फोर। इस पॉइंट पे भी आर्ग्यूमेंट कितना होगा, पाई बाय फोर। मतलब इन सारे पॉइंट जो ये जो लाइन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ से यहाँ तक, इन सबका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, पाई बाय फोर होगा। नीचे वाले को हटा देते हैं, क्लियर है? ये जो लाइन है, इन लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट का कलेक्शन जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, लोकस। और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन सबका आर्ग्यूमेंट कितना है, पाई बाय फोर है। तो लोकस कितना हो जाएगा, दिस लाइन y इक्वल टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अगला बोला है कि z माइनस वन प्लस आयोटा, इसको ऐसा बोलते हैं जेड वन माइनस जेड टू। तो इसको या फिर ऐसा सोचो कि इनका आर्ग्यूमेंट पाई बाय फोर है, मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये स्टार्ट हो रहा है 1,1 से, और ये है जेड। एक काम करो, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, एक चीज एक्सप्रेशन और बताने के बाद। ठीक है, अब देखे देखो ये वाला, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर जीरो से पाई बाय टू में लाई करेगा तो लोकस ऑफ जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर्ग्यूमेंट आपका जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू मतलब का लोकस क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी होंगे सबका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जीरो से पाई बाय टू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उन सबका कलेक्शन क्या होगा, आर्ग्यूमेंट जीरो से पाई बाय टू। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सर ये प्रिंसिपल रेंज नहीं है ना, क्या सर प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई से पाई के बीच में थी ना, उसमें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। हाँ, तो वो प्रिंसिपल रेंज के हिसाब से तो बोला मैंने, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर कहाँ पे आएगा, यही तो आएगा सर। पहले तो नीचे की तरफ डायरेक्शन ले रहे थे ना, तो मिटा दी थी मैंने, इसलिए तो मिटा दी थी, ये वाली लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए वापस तो बोला ना y इक्वल टू x लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है सर। ठीक है, ज्योमेट्रिकली अब देखो ध्यान से। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करना है ये देखो ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा अब ध्यान देना आप। मॉड्यूलस ऑफ जेड जैसे मान लो दिया हुआ है 5, क्या बोला गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि वो सोचते हैं, चलो ध्यान से, ऐसे अब इसका लोकस पूछा है, मान लो इसका लोकस क्या होगा ये पता करना है, मतलब ऐसे सारे जेड का कलेक्शन बताओ जिसका मॉड्यूलस क्या हो 5 हो, जिसका मॉड्यूलस क्या हो 5। तो उन्होंने बोला एक काम करो, इसका मतलब जैसे मान लो एक पॉइंट ये लिया, ठीक है, यहाँ से 5 डिस्टेंस पे ले लिया तो इसका मॉड्यूलस कितना हो गया 5। कोई बोलेगा यहाँ पे ले लो 5 डिस्टेंस पे, इसका मॉड्यूलस भी कितना है 5। कोई बोलेगा यहाँ ले लो, इसका भी मॉड्यूलस कितना है 5। तो इन सबका अगर कलेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल, क्या मिलेगा, एक सर्कल। अब इस सर्कल पे, सर्कल जिसका रेडियस कितना हो 5, इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट होंगे, रेडियस 5 वाला जो ये सर्कल है, इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट होंगे क्या उन सबका मॉड्यूलस 5 होगा, ये बताओ। यस सर। इस सर्कल जितने पॉइंट होंगे उन सबका मॉड्यूलस कितना होगा 5। तो यहाँ से हमने, उन्होंने क्या बोला है कि मॉड जेड इक्वल टू 5 अगर कभी भी ऐसा दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट इज अ सर्कल, इसका लोकस क्या होगा वो बता रहा हूँ, इसका लोकस क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होगा, सर्कल, सेंटर जिसका ओरिजिन हो, और रेडियस कितनी हो 5, रेडियस कितनी हो 5। ठीक है, तो वैसे भी मॉड जेड का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, उसी को अपन ने मॉड जेड डिफाइन किया था। तो अगर मॉड्यूलस 5 है
अगर मॉड्यूलस 5 और इन सब पॉइंट का कलेक्शन अगर मुझे देखना है तो सबका पॉइंट का कलेक्शन क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब कि सर जेड वन कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए कहीं भी 5 दूरी आ सकती है। हाँ, 5 दूरी आ सकती है। तो लोकस पे नहीं पूछा, लोकस मतलब इन सारे पॉइंट का कलेक्शन, इन सारे पॉइंट का कलेक्शन कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखें, यहाँ पे इन्होंने खैर बेसिक बताया, इन्होंने ये बोला कि मॉड जेड इक्वल, मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड जेड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फ्रॉम द ओरिजिन। मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, पहली चीज डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड, मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू। इसका यहाँ पे जो ये ऐसे देखो, ये जो कि स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था मैंने, अगर ये जेड वन हुआ ये जेड टू हुआ वेक्टर फॉर्मेट में, तो ये आपका क्या होगा वेक्टर फॉर्मेट में, जेड वन माइनस जेड टू बाय द ट्रायंगल लॉ, बाय द ट्रायंगल लॉ। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड वन और जेड टू के बीच में डिस्टेंस, जेड वन और जेड टू के बीच में क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि पहली चीज सब लोग ध्यान से सुनते जाओ, मॉड जेड वन किसी भी चीज का मॉड क्या है, डिस्टेंस ऑफ द जेड फ्रॉम ओरिजिन, जेड वन माइनस जेड टू या जेड वन जेड टू माइनस जेड वन का मॉड क्या, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। ठीक है, अब देखो ये जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, उसको करने के दो तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका जो बेसिक होता है, आप जेड को रख दो एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप से, पूरा सिंप्लीफाई करो, देखो फाइनल लोकस क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, सिंपली जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रख दो और देखो फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है। एक सर्कल की इक्वेशन आ रही तो सर्कल हो जाएगा, पैराबोला की इक्वेशन आ रही तो पैराबोला हो जाएगा, एलिप्स आएगा तो एलिप्स हो जाएगा। तो आपको अगर सिंपल लोकस निकालना तो ये भी रख सकते हो, क्वेश्चन करूंगा आगे मैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि मॉड जेड अगर इक्वल टू टू दिया है, तो इसको समझने का तरीका क्या है, उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसका डिस्टेंस कितना, ओरिजिन, मॉड जेड मतलब डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, मॉड जेड का मतलब क्या बताया, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर ये 2 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 2, इसका मतलब उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल विद सेंटर 0, 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
रखते अगर जेड की जगह, जेड की जगह अगर एक्स प्लस आयोटा वाई रखते तो मॉड जेड कितना आता, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आता, टू। ठीक है, आ रहा है समझ में? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, टू का स्क्वायर। तो ये क्या है, देखो सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस टू, सेम बात है। या तो ऐसे समझ लो, या तो ऐसे समझ लो, दोनों से क्या आ रहा है, लोकस वही आ रहा है। ठीक है, एक और लोकस अगला समझते, जैसे मान लो अगर ये दिया होता है मॉड जेड माइनस सपोज टू इक्वल टू फाइव, मॉड जेड माइनस टू इक्वल टू फाइव। अब देखो इसका मतलब क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस क्या रहा, अगेन कांस्टेंट। चलो इसको मैं आगे बताता हूँ, तो एक सब कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि आपको ये दो तीन चीजें? यस सर। ठीक है, yes, अब आगे बढ़ते हैं अगला, पहले ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लोकस ऑफ द जेड, फर्स्ट वाला बताओ क्या आएगा, मॉड जेड इक्वल टू टू, ये बता दिया मैंने, सर्कल सेंटर ओरिजिन रेडियस टू, क्लियर है? यस सर। सर्कल सेंटर ओरिजिन रेडियस। अब सेकंड वाला ट्राई करो, सोचो थोड़ा सा। जेड यहाँ पे वेरिएबल, जेड का ही लोकस निकालना आपको, जेड मूविंग पॉइंट है। ठीक है, जेड क्या है, मूविंग पॉइंट, उन सारे मूविंग पॉइंट का कलेक्शन। अब देखो जेड और ये मान लो ये जेड, ये जेड वन, जेड वन क्या है, वन प्लस टू आयोटा, तो वन प्लस टू आयोटा कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। यस सर, ये पॉइंट आपका वन प्लस टू आयोटा। तो बोला है कि ऐसे जेड बताओ जिसका इससे डिस्टेंस कितना हो, फोर के बराबर। अभी आपको मैंने क्या सिखाया था, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ सर, वेक्टर वाली डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, z1 एंड क्या इसको क्या है, z1, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो ये आपका z है और ये मान लो z1 है, ये तो फिक्स हो गया, z1 तो फिक्स है 1 माइनस z, और z जो है वो वेरिएबल घूम रहा है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना चाहिए, 4। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस, ये सारे z का कलेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। अब इन सबका मॉड्यूलस कितना है, फोर ये, और दोनों के बीच में जेड, जेड वन और जेड के बीच में डिस्टेंस क्या है, फोर आ रहा है, जेड वन और जेड के बीच में डिस्टेंस क्या आ रहा है, फोर। हेंस यहाँ पे कलेक्शन क्या रिप्रेजेंट करे, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, वन कॉमा टू, और रेडियस कितनी होगी, चार, फोर, रेडियस कितनी होगी, फोर। तो आपको ये ध्यान रखना, देखो ये भी एक्चुअली यही था, इसको लिखने का एक तरीका क्या, जेड माइनस जीरो इक्वल टू टू, जेड माइनस जीरो इक्वल टू टू मतलब एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस टू,
और जेड माइनस जेड वन इक्वल टू आर, वापिस वही सेंटर, ये रेडियस। तो जेड माइनस वन प्लस टू आयोटा अगर आ रहा है, जेड माइनस वन प्लस टू आयोटा आ रहा है, तो मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल जिसका सेंटर है 1.2 और रेडियस कितनी है 4, रेडियस कितनी है 4। क्या है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मॉड जेड इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट अ सर्कल सेंटर ओरिजिन रेडियस 2, है ना, ये आपको पहली चीज। एंड मॉड जेड माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ध्यान से सुनना, इक्वल टू 4, इट आल्सो रिप्रेजेंट अ सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, बोलो सेंटर क्या होगा, 1.2, सेंटर होगा 1.2 और रेडियस कितनी होगी 2, 4 होगी, 4 होगी, रेडियस 4 ही होगी। ध्यान रहे यहां पे माइनस आना चाहिए, क्लियर है? अगर मान लो मैं ये लिखता जेड प्लस 1.3 आयोटा का मॉड इक्वल टू 5, तो बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता, सर्कल, हाँ सर्कल, अगेन सर्कल, सेंटर 1.3 नहीं, यहाँ माइनस चाहिए क्योंकि जेड वन माइनस जेड टू डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं ना, 3, तो यहाँ पे माइनस अगर निकाल, माइनस माइनस निकालना पड़ेगा को, तो सेंटर क्या होता होगा, माइनस 1.-3 और रेडियस 5, रेडियस 5। अब पहचान लोगे, बोलो पहचान लोगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। चलो सर, ये ऑलवेज सर्कल ही देगा क्या ये इक्वेशन हमें? हाँ ये वाला सर्कल ही देगा, हाँ सर्कल ही देगा। बताओ अब इसका ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल, 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 सेंटर 5.-3, रेडियस 8। क्लियर हो सबको? यस। ओके, अब ये वाला की पार्ट देखो, मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस वन इक्वल 5। अच्छा मुझे बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ इतना सा पोर्शन, सर्कल, नहीं ना यार, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ इतना सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड ऑफ जेड माइनस वन। अच्छे से आंसर करो, अभी क्या सिखाया, जेड की वजह, हाँ क्या जेड वन, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू क्या रिप्रेजेंट करता है सर, दोनों बीच का डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ये बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड और माइनस वन के बीच का डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस बिटवीन, अच्छे से बोलो, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन जेड एन 1.0, जेड एन माइनस 1.0, क्या समझ में आ रहा है सर, ये माइनस 1.0, ये 1.0 कैसे पता चला, जेड वन माइनस जेड टू मैंने ये सीखा, जेड वन माइनस जेड टू क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन और जेड टू के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस यही यहाँ पे अप्लाई किया फॉर्मूला अपन ने, तो जेड माइनस वन है, तो जेड वन क्या हो गया जेड और जेड टू क्या हो गया वन, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 1.0, और इसको कैसे लिखोगे, जेड प्लस वन को ऐसे लिखोगे ना, जेड माइनस ऑफ माइनस वन, तो डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 1.0, क्लियर है आप? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि जेड का डिस्टेंस इन दोनों का सम कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, कांस्टेंट, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन बताना है जिसका डिस्टेंस 1.0 से और -1.0 से का सम, डिस्टेंस का सम क्या आ रहा है, कांस्टेंट, द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ पॉइंट ए एंड बी अगर कांस्टेंट, ये कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ये लोकस, sum of the distance from two fixed point is constant, sum of the distance from two fixed point is constant, क्या होता है, ellipse, ये क्या represent करेगा, ellipse, तो यहाँ पे इसका focus कितना होगा बताओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, focus हो जाएंगे, fixed point को हम क्या बोलते हैं, focus minus 1.0 और 1.0, ये इसके क्या हो जाएंगे focus, क्या clear हुआ, yes sir, ये ध्यान रखना। अच्छा किसी को याद है वो सम, जब आप इलिप्स के अपन डेफिनेशन बोलते थे, इलिप्स के लोकस के बोलते सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट आता था वो किसके बराबर आता था, ए बी सी 2a 2c के किसके बराबर आता था, 2a 2a के बराबर,
किसके बराबर था, तो 2a, तो यहां पे 2a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5, तो यहां से a भी आ जाएगा आपका, a कितना आ जाएगा 5/2, a कितना आ जाएगा 5/2, तो sum of the distance constant equal to 5 यहां पे जो दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, क्लियर हुआ? सर इसका लोकस क्या होगा? लोकस इलिप्स होगा, इलिप्स की डेफिनेशन ये होती है, इलिप्स क्या होता है, इलिप्स ऐसा ऐसा कलेक्शन है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होता है, कांस्टेंट, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, ऐसे एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, क्लियर है? सर इसे लोकस मतलब पॉइंट होता है, तो हमें पॉइंट बताना पड़ेगा या इलिप्स बताना पड़ेगा, कौन सा डायग्राम बन रहा है? इलिप्स, इलिप्स लोकस का मतलब उन सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, उसका मतलब लोकस, लोकस मतलब उन सब पॉइंट का कलेक्शन अगर अपन करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, वो होता है लोकस। जैसे यहाँ पे सब पॉइंट का कलेक्शन करने पे क्या मिल रहा था, सर्कल, यहाँ पे क्या मिल रहा, सर्कल, यहाँ पे क्या मिला, इलिप्स, यहाँ पे क्या मिला, इलिप्स, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ओके, अगला देखो ध्यान से, मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस 1+2i, ये वाला मॉड्यूलस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस माइनस वन। अच्छा मुझे पहले बताओ इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन और जेड के बीच की दूरी, जेड एल 1.2, क्लियर है सबको? अब समझ आ गया? यस सर, यस सर, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड माइनस वन और जीरो, माइनस वन कैसे बोलो, माइनस वन कॉमा जीरो बोलो ना ढंग से, माइनस वन तो कुछ भी नहीं, पॉइंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 1.2 एंड डिस्टेंस, तो जेड की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या रही है, इक्वल, जेड की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या आ रही है, इक्वल, तो उन सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या होगा? नहीं, डिस्टेंस इक्वल आ रही है, डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस इक्वल है, सम इलिप्स, सम कांस्टेंट होता है, हां एक लाइन परपेंडिकुलर, देखो मैं बताता हूं, देखो जैसे एक पॉइंट है, मान लो फॉर एग्जांपल एक पॉइंट तुम्हारा कितना दिया 1.2, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया फॉर एग्जांपल -1.0, ठीक है, ये इन दोनों से मान लो कोई स्ट्रेट लाइन पास करेगी, अब इन सारे पॉइंट का कलेक्शन मुझे बताना है ताकि इन दोनों से डिस्टेंस सेम, मतलब मान लो जेड यहाँ पे माना, अब ये डिस्टेंस इस जेड का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस क्या होगा, सेम, फिर जेड को मान लो आपने यहाँ मान लिया, फिर इसका और इससे डिस्टेंस क्या होगा, सेम, फिर जेड को अगर यहाँ मान लिया तो इसका और इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम, तो इन सारे जेड का कलेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आगे समझ में, इन दोनों पॉइंट को जॉइन करने वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो आपका क्या होगा, लोकस, सारे जेड इस पे लाइन करेंगे, सारे जेड क्या करेंगे, इस पे लाई करेंगे, क्या है समझ में आ गया? यस सर, क्योंकि जेड का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल, जेड का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, तो सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली ये लाइन हो जाएगी। देखो अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं सारी चीजों को, देखो ध्यान से, मॉड जेड माइनस मॉड जेड वन इक्वल टू आर, बताओ रिप्रेजेंट व्हाट, सर्कल, सर्कल, वेरी गुड, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल, मॉड जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड जेड माइनस जेड टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, इलिप्स करेगा, इलिप्स, मॉड जेड माइनस जेड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, जेड वन है, जेड वन जेड टू, क्लियर हो गया, बोलो, yes, और यहाँ पे अगर माइनस आ जाता तो क्या होता, हाइपरबोला, माइनस आ जाता तो क्या होता, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है मतलब हाइपरबोला, सम कांस्टेंट है तो पैराबोला, डिफरेंस कांस्टेंट है तो हाइपरबोला, और ये इक्वल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस इतना आपको ध्यान रखना है ज्योमेट्री में फिलहाल अभी मेंस के लिए, आगे समझ में, सर पैराबोला नहीं होगा, सर पैराबोला, ना पैराबोला नहीं, डिफरेंस कांस्टेंट तो हाइपरबोला होता है ना, नहीं सर ये नहीं बोला मैं, पैराबोला के लिए कोई कंडीशन नहीं, पैराबोला का अभी नहीं पढ़ना अपन को, अभी नहीं पढ़ना है, एडवांस का जब क्लासेस करोगे तब सीखूंगा, स्ट्रेट लाइन भी आएगा उसमें, पैराबोला भी आएगा, लाइन की इक्वेशन बहुत सारी चीजें आएगी, फिलहाल अभी मेंस के लिए इतना ध्यान रखना, क्योंकि अभी 2023 में आपको जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, सर्कल से रिलेटेड, खासकर इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन, क्लियर है? तो अभी फिलहाल जितना कम याद रख सकते उतना कम याद रखो, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, थोड़ा सा आज क्लास बहुत एक्सटेंड हो गई है, चलो ये बता दो मुझे एक बार, ये तो खैर वही क्वेश्चन है जो अभी सिखाया, क्या है ये, इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स से, अब अच्छा मान लो इसमें ज्यादा चीजें और पूछ ली, इसका फोकस क्या होगा, दोनों प्लस माइनस 1.0, हां 1.0 -1.0, ये डिस्टेंस 2a के बराबर होगा, 2a = 5, तो a = 5/2, अच्छा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है,
फॉर्मूला जनरल जीरो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, ए की जगह रख देंगे 5/2 इनटू ई इक्वल टू 1, तो यहां से देखो एसेंट्रिसिटी भी आ गई 2/5, तो कभी एसेंट्रिसिटी पूछ ले तो ई पता ए पता तो बी भी आ जाएगा, ई बी में क्या रिलेशन होता है ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वहां से बी भी आ जाएगा। खैर ये सब कॉनिक सेक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल अगर पूछे तो ये सब कर सकते हैं अपन। ठीक है चलो, ठीक है चलो बस इतना बहुत है आज के लिए। ये मैंने कुछ एग्जांपल रखे थे, अब देखो आप वो सब छोड़ देना, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये 2023 के मैंने क्वेश्चन लिए 2023 जनवरी अटेम्प्ट, ताकि ये सब पढ़ने के बाद अपन अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। खैर अपन देखो एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मैंने कोशिश करा मैक्सिमम जितना आपको पढ़ा सकूं दो घंटे में वो भी। ठीक है लगभग दो घंटे होने आ गए, दो बज गई है। ठीक है अपन ने 12 बजे स्टार्ट किया था, थ्योरी लगभग मैंने हल्की हल्की आपको बता दी है। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ये अभी जनवरी को आया था, अब देखो यहाँ पे भी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अभी आपको देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1+sin दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1+sin दिया हुआ है, कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, पोलर यूलर फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है लेकिन कैसे सिंप्लीफाई करें, चलो ट्राई करो एक बार आप लोग। आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसको जो ट्राई करना हो ट्राई करो और बताओ आंसर क्या आएगा। बस 5-10 मिनट हो रहे हैं फिर क्लास एंड कर देंगे। Z into Z conjugate equal to 1 वाला यूज करेंगे, कौन सा Z conjugate equal to 1 उससे हो सकता है। अच्छा ऊपर और नीचे conjugate दिया हुआ है क्या, अच्छा ठीक है। अच्छा ऊपर ऊपर वाले को आप पूरा अगर Z मान लोगे तो नीचे इसको क्या दिया हुआ है conjugate, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर जेड माना तो नीचे उसकी का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। अब क्या करें, जेड इसको नहीं सर, सिर्फ साइन वाले पार्ट को आगे पहले आपको सर जेड इक्वल टू साइन पाई 2π/9 प्लस आई कॉस 2π/9। अच्छा तो ये 1+z हो जाएगा फिर। अब सर जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1/z होगा इसमें, जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1/ अच्छा इसका मैग्नीट्यूड अब 1 बोल रहे हो, ठीक है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, सब लोग सुनो देखो, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो 1 है, जेड जिसको माना है, जेड किसको माना है, साइन 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9, आयोटा कॉस 2π/9, तो साइन और कॉस वाला टर्म आता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो जेड अगर ये 1 है तो मॉड जेड स्क्वायर भी कितना होगा 1, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट को आप क्या लिख सकते हो 1, मॉड जेड के स्क्वायर को लिख सकते हो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है तो जेड कॉन्जुगेट को लिखने का एक और तरीका क्या है, 1/z भी है, या फिर जेड को लिख सकते हो 1/z कॉन्जुगेट, दोनों में कोई एक तरीका। सर साइन और कॉस, साइन को कॉस में भी तो चेंज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो पाई बाई टू माइनस करके, तो उससे आपका स्टैंडर्ड वाला आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाला आ जाएगा, मतलब इसको आप e की पावर ऐड। अच्छा एक एक गलती बहुत होती है जनरली, एक वो मैं बता देता हूँ ध्यान से सुनना, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, क्या इसको अपन e की पावर ऐड तो थीटा लिख सकते हैं? यस सर। नहीं ये गलती कभी मत कर देना, हाँ हमेशा ध्यान रखना, ये कॉस पहले आता है साइन बाद में आता है, ये बहुत बार गलती होती है बच्चों से, किसको लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको लिखते हैं अपन की पावर आयोटा थीटा, तो माइनस जेड कॉन्जुगेट नहीं होगा ना 1 सर, वो एक्सप्रेशन देखने जो ऊपर है, एक मिनट पहले एक मिनट रुको, ये ध्यान रखना सब लोग, कॉस साइन थीटा प्लस आयोटा साइन कॉस थीटा को ये मत लिख देना,
आप किसको लिखते हो, कॉस थीटा पहले आना चाहिए और आयोटा के साथ साइन थीटा आना चाहिए, तो आपको उसको लिखोगे ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये ध्यान रख लोगे सब लोग? यस। हेलो, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है चलो, हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो सर। वहां पे 1 प्लस z अपॉन 1 प्लस z कॉन्जुगेट होगा। हाँ प्लस, सॉरी सॉरी। ठीक है अब बताओ। फिर 1 z कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 z, तो वहां से सिंपलीफाई हो जाएगा, z आ जाएगा सीधे। ठीक है, तो यहां जाएगा 1 प्लस z, 1 प्लस z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट को आप क्या लिख सकते हो, 1 / z। तो ये हो जाएगा, सिंपलीफाई करोगे तो 1 प्लस z, LCM लोगे तो z प्लस 1 और नीचे वाला z ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, z क्यूब। क्या बचेगा, z क्यूब। अब अच्छा, अभी भी एक चीज और होगी वहां पे, देखो ध्यान से, z आपने किसको माना, अच्छा खैर अब तो अंदर जा सकते हैं कि जा सकते हैं वो सोचना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, z किसको माना था अपन ने, साइन 2 पाई बाय 3 प्लस आयटा कॉस 2 पाई बाय 3 की पावर 3। पहले इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको साइन में कन्वर्ट करना, फ्री थ्री को अंदर भेजना। ठीक है, मतलब जो आप प्रॉपर्टी वो अप्लाई करते हो उसमें यहाँ पे कॉस आना चाहिए, यहाँ पे साइन आना चाहिए, तो ध्यान रखना। तो चाहो तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हो, या तो आयोटा कॉमन ले लो, या फिर इस साइन को कॉस में बदल दो। साइन को कॉस में बदलने का एक तरीका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब चाहो तो वही पड़ जाएगा। हाँ, अब चाहो तो इस 3 को आप अंदर भेज देना, इस पावर 3 को इनके साथ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसमें देखो दो तीन चीजें थी। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको जेड बोला, ऊपर जेड था नीचे उसका कॉन्जुगेट था, और मैग्नीट्यूड 1 था, तो जब भी मैग्नीट्यूड 1 है ये प्रॉपर्टी तो बहुत बार यूज होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। जब आपने प्रॉपर्टी लिखी है वहां पे ये प्रॉपर्टी भी लिख देना कि किसी भी चीज का अगर मैग्नीट्यूड 1 होता है तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट भी कितना होगा, 1 होगा। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो रेसिप्रोकल। ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, इसको ध्यान रखना। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडस 1 है तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, मतलब जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट होगा। जेड इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट। क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। ठीक है, और भी मैंने क्वेश्चन दिए, देखो ये आपको मैंने जो बोला था, आपको हाइपर बोला, ये वाला देखो, ये सर्कल वाला क्वेश्चन आया था 25 तारीख को। ठीक है, फिर ये इसमें आप वैल्यू रख रख के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आर्गुमेंट पूछा इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट वाला सर्कल, सर्कल सेंटर ओरिजिन रेडियस 4। ठीक है सर, अब देखो यहाँ इसको इसको सिंप्लीफाई करना था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब इसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इस तरह से एक्सप्रेशन लाना है कुछ, तो कैसे करोगे, अच्छा बताओ कैसे करोगे। नीचे वाला क्या दिखा हुआ है, नीचे वाले को क्या लिख दूं, नीचे तो देख दिया हुआ, ऊपर वाले को क्या लिखोगे, देखो ऊपर वाले को पहले ऐसे लिखना माइनस 1 प्लस आयोटा, पहले रियल पार्ट को आगे लिख देना आयोटा। हाँ अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, cos 2 आयोटा sin 5 / 2 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। मैग्नीट्यूड कितना है, 2 √2। cos एंगल कितना आएगा, 3 पाई बाय 4 एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4। ठीक है, और नीचे आपको दिया हुआ है, इसको अगर उसमें लिखेंगे √2 ई की पावर आयोटा 3 पाई बाय 4, और नीचे क्या दिया हुआ है, ई की पावर आयोटा पाई बाय 3। सही है, यस। दोनों डिफरेंस देखो, कितना आसान क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन आया था लेकिन आसान था, इसलिए मैंने मतलब इसलिए अपन बोलते हैं कि मान लो अगर इस चैप्टर से आसान क्वेश्चन आया तो फटाक से अटेम्प्ट करते हैं। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करा, दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस ले लो कि तो कितना आएगा, 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, बताओ कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 पाई बाय 12। यस सर, सही है। तो देखो 5 पाई बाय 12 कौन सा ऑप्शन,
रूट टू फर्स्ट फर्स्ट आसान था 30 सेकंड पूरा आंसर आ जाएगा आपका और चार नंबर पक्के हो जाएंगे तो अगर ऐसे मिल जाते हैं कभी कभी तो ऐसे कर देना चाहिए अब देखो यहाँ पे भी सेंटर रेडियस का क्वेश्चन है घर इसके सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा सबके आप घर पे थोड़ा ट्राई करना टाइम काफी हो गया एक्चुअली मैं भी थक गया हूँ ठीक है दो ढाई घंटे होगा क्लास लेते लेते एक्चुअली पीपीटी बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा था ये टोटल 70 पेज की पीपीटी आपकी एक एक चीज को क्रॉप कर करके डालना पड़ा यहाँ पे कुछ कुछ को अलग अलग जगह जगह से ठीक है तो इसको मैं आज आपके पीपीटी आपको ये नोट्स अभी भेज दूंगा घर पे पूरा इसको रिवाइज करना जो जो क्वेश्चन मैं दूं उनको एक बार ट्राई करना उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मैं भेज दूंगा आपको ताकि आपको मान लो कहीं अटको तो आप वापस ट्राई कर सकते हो ठीक है चलो क्लियर है यहाँ तक सबको ओके थैंक यू वेरी मच आज डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा एग्जॉस्ट हो गया बहुत ज्यादा बोल बोल के हाँ बोलो बोलो सर हमारी फिजिक्स की जो क्लास है वो कितने बजे होगी मतलब सर मैं कहती शाम को करवा दो सर चार हाँ मैं इसको शिफ्ट करवा दूंगा थोड़ा मतलब अभी जैसे थोड़ा टाइम हो गया ना होकर साढ़े चार पांच तक करवा देता हूँ ठीक है सर यस सर चार बजे करवा दो सर अच्छा चार बजे करवा देता हूँ ठीक है ओके थैंक यू सर थैंक यू एवरीवन बाय थैंक यू क्लास हाँ सब होगा सब आज क्लास में बोलूंगा सर को ले लेंगे वो कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी आज पूछ लेता हूँ कि क्या हालत है बोल देता हूँ ले लेंगे वो सर केमिस्ट्री का होगा ना हाँ केमिस्ट्री सोमेश सर लेंगे आज ठीक है ओके सर